السلام على رسول الله ما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مسرف القلوب سرف قلبي على طاعتك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وعزني من شر نفسي

आउजम शैतरम बिस्मर सूरतबूत अनकबूत मकड़ी को कहते हैं और मकड़ी यहां पर अल्लाह तला ने मकड़ी के घर का जिक्र किया है इसीलिए इस सूरत का नाम यानी उस मकड़ी के हवाले से सूरत अनकबूत रखा है और पीछे हमने यही कि जब लोग ईमान ले आते हैं तो सिर्फ जबानी दावे नहीं जब वो जबान से कहते हैं कि हम ईमान ले आए तो अल्लाह से बहन वाली उनकी आजमाइश जरूर करते हैं और उसी के और फिर शिर शर्क के पीछे बात हुई और आय आयात अगेन अनबिया के अहवाल और अगेन किस तरह से अनबिया तोहिद की तरफ बुला रहे थे और जो है कौम शिरक की तरफ किस तरह से दौड़े जा रही थी और आखिर उनका अंजाम क्या हुआ आने वाली आयात में हम पढ़ेंगे

फिर उन लोगों को तूफान ने आ घेरा कि वो जालिम थे जालिम क्यों थे क्योंकि उन्होंने अल्लाह को हक देने के बजाय किसी और को हक दिया तो अल्लाह तला ने उन्हें तूफान के इवज पकड़ लिया और फिर क्या हमने नूह को हमने नाम को नू आलाम की कौम को तूफान ने आ घेरा क्योंकि वो जालिम थे फिर हमने को और कश्ती और कश्ती को आलम के लिए एक निशानी बना दिया. और इब्राहिम का वाकया भी याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो

वो तो महज़ बुतों के थान हैं और तुम झूठ घड़ रहे हो और जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो वो तुम्हें रिस्क देने का अख्तियार नहीं रखते लिहाजा अल्लाह से रिस्क मांगो उसकी इबादत करो और उसी का शुक्रिया अदा करो तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे वो इन तक जब फत और अगर तुम जुटलाते हो तो तुमसे पहले भी कई उम्मतें अपने रसूलों को जुटला चुकी हैं

यकीन ये याद अल्लाह पर आसान तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिए कि जमीन में चल फिर कर देखो कि अल्लाह ने किस तरह मखलूक को पहली बार पैदा किया है फिर अल्लाह ही दूसरी बार पैदा करेगा अल्लाह व तआला यकीनन हर चीज पर कादिर है अदीब मै शाह मै शाह व ले तुकलब और जिसे चाहे सजा दे और जिसे चाहे जिस पर चाहे रहम करें और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे

वो मेरी रहमत से मायूस हो चुके हैं और उन्ही के लिए दर्दनाक अजाब होगा तो इब्राहिम के कौम का जवाब उसके सिवा कुछ ना था कि उन्होंने कह दिया कि इसे मार डालो जिसको इब्राहिम वसलाम को फिर अल्लाह ने आग ने फिर अल्लाह ने

आपस में मोहब्बत का जरिया बना लिया मगर क्या के दिन तुम एक दूसरे का इनकार करोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे और तुम्हारा ठिकाना आग होगा और तुम्हारा कोई मददगार भी ना होगा फ आमनू वकाल इन्नी महाजरबी इन अजीजुल हकीम आप को इब्राहिम पर ठंडा होते देख कर लूत सैदिन इब्राहिम पर ईमान ले आए कौन लूतम और इब्राहिम ने कहा कि मैं तो अपने के हुक्म के मुताबिक हिजरत करने वाला हूँ वो यकीनन सब परिब और हिकमत वाला है। व जाकिबा व आते ना हो अजर फिर दुनिया व इन न आखिरन और हमने उन्हें इसहा इस याकूब अता किए और उन्हीं की औलाद में किताब रख दी और हमने दुनिया में भी, भी उन्हें अजर अता किया और आखिरत में वो यकीन साले लोगों में से होंगे लूतन मिन सलाम का वाक्य याद करो जब उन्होंने अपने कौम से कहा तुम ऐसी बदकारी के मुरतकब हो रहे हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में से किसी ने नहीं की थी

और अपनी मजालिस ने बुरे काम यानी कि बुराई खुले आम हो गई थी यानी क्लब्स होते हैं इनके इनके क्लब्स में औरत और मर्द बिल्कुल खुले आम बदकारी करते तो उसकी कौम का इसके सिवा कुछ जवाब ना था कि उन्होंने ये कह दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ

क्योंकि उसके बाशिंदेम हैं इब्राहिम ने कहा वहा तो लूद भी मौजूद है वो कहने लगे कौन फरिश थे हम खूब जानते हैं कि वहां कौन कौन है हम उन्हें और उनके घर वालों को बचा लेंगे बजुज उनकी बीवी जो पीछे रह जाने वालों में से होगी लूतन सी अबी और जब हमारे ये रसूल फरिशी सलाम के पास आए तो उनकी आमद पर उन्हें दुख हुआ और दिल में घुटन पैदा हो गई उन्होंने कहा ना डरो और ना गमजदा हो हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बचा लेंगे

तो आखिर उन्हें एक शख्से ने आ लिया और वो अपने घरों में आंदे पड़े रह गए कैन मुस्तबर और कौम आज समूद को भी हमने हलाक कर दिया और ये बात में उनकी रिहाइश गहों से वाजे हो चुकी है शैतान ने उन्हें उनके करतूत बड़े खुशनुमा करके दिखाए थे और उन्हें राह से बरगजिश्ता कर दिया था हालांकि वो बड़े समझदार लोग थे वो कारून विली फरूफिल अर्दी वाबीन और कारून फराउन और हमान को भी हमने हलाक किया उनके पास मुसा वाज मोजात लेकर आए मगर वो मुल्क में बड़े बन बैठे हालांकि वो हमसे आगे नहीं जा सकते थे फकुलत सोनिमोन इन इनमें से हर एक को हमने उसके गुनाह के पादाश में धर लिया फिर उन हलाक होने वालों में कुछ ऐसे भी हैं जिन पर हमने पथराव किया और कुछ ऐसे जिन्हें जबरदस्त चीख ने आ लिया और कुछ ऐसे जिन्हें हमने जमीन में थसा दिया और कुछ ऐसे जिन्हें हमने गर्क कर दिया अल्लाह इन पर जुलम करने वाला नहीं था बल्कि ये लोग खुद ही अपने आप पर जुलम कर रहे थे यानी मुख्तलिफ़ कस्म के जो नेचुरल डिजास्टर्स जो कुदरती अजाब अल्लाह तला ने कौम को हर तरह से जो है अजाब दिया मसलन तंद लो जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर को सरपरस बना रखा है उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जिसने अपना घर बनाया हो और सब घरों से कमजोर घर मकड़ी मकड़ी का घर ही होता है काश ये लोग कुछ जानते यानी मकड़ी का घर शिर को सिंबलाइज करता है इनल्लाहा यालम मा यदअऊना मिन दूनेही मिन शै वहुवल अजीज अल हकीम ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिस जिस चीज को पुकारते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है और वही सब पर غالب और حکمت वाला है वtilkal अंसाल नद्रबहा लिलनास वमा यअकिलुहा हम ये मिसालें लोगों को समझाने के लिए बयान करते हैं मगर उन्हें समझते वही हैं जो अहले है, है। हाँ। अल्लाह आसमान और जमीन को हक़ हाँ के साथ पैदा किया है उनकी पैदाइश में भी ईमान लाने वालों के लिए एक निशानी है

अल्लाह जो है ये दोनों साथ साथ रख दिया क्यों किताब का फायदा दिल में सबर, बर्दाश्त की कुत और फिर इस किताब को पढ़ने का अज़र भी है और सवाब भी है जो आप की तरफ वही की गई है और नमाज कायम कीजिए नमाज यकिन बेहयाई और बुरे कामों से रोकती हैं और फिर यहाँ पर और अल्लाह का जिक्र तो सबसे बड़ी चीज है और जो काम तुम करते हो अल्लाह उसे जानते हैं तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं नमाज बुरा बुरे कामों से रोकती है पीछे तमाम कौमों की बुराई बताई गई और फिर आगे अल्लाह ने किताब जैसी खूबसूरत जो है नियामत को दरमियान रख दिया और फिर सात नमाज का हुक्म अगर नमाज बुराई और फाशा से नहीं रोकती गलत काम से नहीं रोकती झूठ गीबत कीना नफरत इन तमाम चीजों से फहशा मुनकर मुनकर क्या है हर वो चीज़ जो शरीयत ने मना किया है पाशा हर वो बुराई हर वो बुराई जो खुलम खुला हो नमाज पढ़ते हैं हिजाब नहीं ठीक से हिजाब नहीं करते नमाज पढ़ते हैं ओरिया लिबास पहनते हैं नमाज पढ़ते हैं नेल पॉलिश होती है नमाज पढ़ते हैं नाखून लंबे लंबे होते हैं बाज औरतों के नाखून, पैर के नाखून, हाथ के नाखून, जबकि ये सारे मुनकर हैं क्योंकि ये इब्राहिम की शरीयत है यह आपकी सुन्नत है और फिर इब्राहिम सलाम के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नाखूनों को काटना पाक साफ रखना से ऊपर शलवार होती हैं आर ऑल एंड फाशा तो फिर ऑन टाइम हम नमाज भी पढ़ते हैं तो क्या रीजन है कि नमाज पढ़ने के बावजूद अगर फाशा और मुनकर से लोगों को निजात नहीं मिलती तो इसका मतलब ये है कि अगर नमाज बुराई और फैशा से नहीं रोकती तो ये नमाज में गाफिल रहने का सबूत है इस यानी कि नमाज की अपनी तासीर होती है ना ठीक है नमाज की तासीर ये है कि वो बुराई से बचाती है जैसे पानी पानी की तासीर क्या है पानी प्याज बुझाता है राइट पानी क्यों पीते हैं ताकि प्याज बुझे नमाज क्यों पढ़ते हैं अल्लाह तला कहते हैं अनिलफहशा वलमुनकर अगर ये नहीं है तो इसका मतलब नमाज में गाफिल और सबसे बड़ा जिक्र कौन सा है नमाज को दिया गया ये बेहतरीन याद दहानी है बेहतरीन अल्लाह का और फिर इसके अलावा भी जिक्र में लाला वाहद शरीक जो भी जिक्र अल्लाह है ये भी जिक्र अल्लाह तला के यहाँ काबिल कबूल है वाला बिल्लिहसन

हम तो उन पर भी ईमान लाते हैं जो हमारी तरफ नाजिल की गई है और उस पर भी जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है और हमारा और तुम्हारा इलाह एक ही है और हम उसके फर्मा बरदार हैं पीछे जिक्र की बात हुई और आगे तोहिद की दावत और उस पर आर्गुमेंट इसी तरह विक्र अकबर के हवाले से हमें और एक हदीस मिलती है के अली हैं, फातिमा रजी को चक्की से आटा पीसने से बहुत तकलीफ हो गई उन्हें खबर मिली कि आप के पास कुछ कैदिया आए हैं गनीमत से जिसका पांचवा हिस्सा आपके लिए मखसूस किया गया है उसकी तकसीम आपके लिए जो है ना जायज थी तो आप सल्लाम के पास तशरीफ लाई ताकि आप यानी कि जो माल गनीमत में जो माल आया है उसमें से

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और सईद फातिमा के दरमियान बैठ गए मैंने आपके पाओं की ठंडक अपने सीने पर महसूस की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बताऊं जो इससे बेहतर है जो तुमने मांगी थी और वो ये है कि जब तुम अपने बिस्तरों पर जाओ तो अल्लाह अकबर थर्टी फोर बार और अलहमद ला थर्टी थ्री एंड देन टाइम्स बार कह लिया करो यह तुम्हारे लिए इस चीज से बेहतर है जिसका तुमने सवाल किया है तो वाला जिक्र अकबर में यह भी अल्लाह अलह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना शामिल है एंड सून आफ्टर दैट यहाँ पे क्या है तोहहीद की बात की गई कि जो भी हमारी तरफ नाजिल की गई है उस पर भी जब तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है हमारा और तुम्हारा इला एक है ये कि किसकी तरफ इशारा है जो यहूद नसारा इन सब का पता है यही एक ही तोहिद मिली जैसे कि आप देखेंगे ला इला मोहम्मद रसुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम की उम्मत को ये कलिमा मिला इसी तरह नू सलाम की उम्मत को उन्हें भी ये कलिमा मिला ला इला नू रसूल ला, ला इला, इला इब्राहिम रसूल ला, ला इला यूसुफ रसूल यानी कि हर कौम को शरीयत के साथ यही कलीम तोहिद मिली तो तुम्हारा और हमारा कलिमा एक ही है बस क्या है उस दौर में डिफरेंट जहना अनबिया शरीयत लेकर डिफरेंट तरीके से पहुंचे हैं वो किताबा और नबी साम हमने इसी तरह आप पर यह किताब कुरान नाजिल की है उस पर वो लोग ईमान लाते हैं जिन्हें हमने पहले किताब दी थी और इन अहल मक्का में से कुछ लोग ईमान लाते हैं और हमारी आयात से इनकार तो काफर लोग ही करते हैं कुन, मिन ही नबी सहले आप ना तो कोई किताब पढ़ सकते थे और ना अपने हाथ से लिख सकते थे अगर ऐसी बात होती तो बातिल परत शुबा में पढ़ सकते थे ये आप सल्लाम की नबोत की दलील आपको न पढ़ना आता था, था न लिखना आता था, था इतना बेहतरीन कलाम तो ये क्या है किताब की सदाकत की दलील है और नबी के नबूत की दलील है बल आया जदबी आया तीनामोन बल्कि वो कुरान तो वाज आयात है जो उन लोगों के सीनों में महफूज है जिन्हें इल्म दिया गया है और हमारी आयात से बेसाफ लोगों के सिवा कोई इनकार नहीं करता

क्या उन्हें यह काफी नहीं है कि हमने उन पर यह किताब नाजिल की है जो उन्हें पढ़कर सुनाई जाती है इसमें ईमान लाने वालों के लिए यकीनन रहमत और नसीहत है कुल कफ़ा बिल्ला बैनी वहीदा यादीना बिल्बा बिल्ला उ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफी है और आसमानों और जमीन में जो कुछ है उसे वो जानता है और जो लोग बातिल को मानते और उसका इनकार करते, है, है। करते हैं वही नुकसान उठाने वाले हैं ये लोग आपसे जल्द अजाब लाने का मुतालिबा करते हैं

तो मेरी जमीन यकीनन बड़ी वसी है लिहाजा मेरी ही इबादत करो ये मक्के के कॉन्टेक्ट में है एंड आफ्टर मक्के की सिचुएशन के बाद देखा जाए जहां कहीं आप शरीयत के हुक्म को फॉलो नहीं कर सकते आप पर जो दीन तंग हो जाए तो उस जगह से इमीडिएटली जो है निकलना है हिजरत करना है कुल नफ्स ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाउन हर शख्स को मौत का मजा चखना है फिर तुम हमारी तरफ ही लौटाए जाओगे वल्लना जन्नति गोरफा तजरे में खालिदी नफीहा जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए हम उन्हें जन्नत के बाला खानों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं में वो हमेशा रहेंगे अमल करने वालों के लिए क्या ही अच्छा अजर है अल्लादीना सबरु वो कौन से लोग हैं जिनको ये अजर मिलेगा अल्लादीना सबरु आयला रब्बीम या तवक्कलून और जिन्होंने मसायब पर सबर किया और अपने परवदिगार पर भरोसा किया वकाईये मिंदाबत इल्लात हमिलो रिस्क रिस्का हा अल्लाहु यरज़ुखुहा वो इयाकुम वो हुवा समी वल अलीम और कितने ही ऐसे जानवर जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते रिस्क तो देता है और तुमको भी देता है यानी कि अल्लाह सिर्फ रिस्क ही नहीं देते बल्कि रिस्क के साथ उनके पसंद का खाना भी देते हैं हर जानवर रिस्क ये नहीं है कि जना इंसान को घास मिल रही है और जानवरों को जो है गोश मिल रहा है नहीं हर हर जानदार की पसंदीदा हर जानदार की डाइट अलग अलग है और ये डिस्ट्रीब्यूशन किसने की ये बांट किसने की और फिर एट को यानी हर जी रूह को उसका रिस्क अल्लाह ताला पहुंचाते रहते हैं और वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है बका आई ये मिंदा बतिन वहा यानी कि वो अपने ऊपर रिस्क लिए घूमते नहीं है अल्लाह ताला रिस्क देते हैं ठीक है ठीके? पीछे सबर की बात हुई, पीछे की बात हुई, उससे आगे ईमान के साथ देखिये सीक हाउ ब्यूटिफुली इंटर कनेक्टेड है देखे आए थे हर जीरो को मजाक चकना है और उससे आगे अगर सरजमीन तंग हो जाए दीन में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है कि इंसान जो है रिस्क के लिए सबसे बड़ा उसका चैलेंज क्या होता है रिस्क अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रिस्क हम देते हैं और जो सबर के साथ रहते हैं जो तवक्कुल करते हैं उनके लिए हम आखिरत का रिस्क भी बेहतरीन कर देते हैं और आखिरत क्या है जन्नत और दुनिया में क्या है सिर्फ इस रिस्क के खातिर आने वाली जो है बेहतरीन जन्नत को हाथ से ना दें तो बेसिकली यहां पर एनकरेज किया गया है ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فانا يفكون अगर आप उनसे पूछिए कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया और सूरज और चांद को किसने मुसक्कर कर रखा है तो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने फ انا يفكون फिर ये कहाँ से धोखा खा जाते हैं यानी रिस्क की वजह से ये एक्चुअल क्या है अब पीछे भी हमने पढ़ा था ना दो रास्ते हैं एक हिदायत का रास्ता एक ख्वाहिश नफ्स का रास्ता अब इंसान को चूज करना है उस ख्वाहिश नफ्स के रास्ते को जब इंसान चूज करता है तो बहुत से एक्सक्यूज लाता है ठीक है रिस्क की कमी है जॉब्स हैं, हमें पता है यहाँ नहीं रह सकते छोड़ नहीं सकते ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यू कम अपला तला फरमाते हैं कि जब तुम्हारे लिए दीन तंग हो जाए तो तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं कोई एक्सक्यूज नहीं अल्लाह हु यबसतु रज़्क़ा यशा अब देखें कि रिस्क जने रिस्क का तो कंट्रोल अल्लाह के हाथ है अल्लाह हु यबसतु रज़्क़ा लिम यशा मिन इबादी व यक़dirुल्ला इन्ल्लाहा बिकुल शैइन अलीम अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रिस्क बढ़ा कर देता है और जिसके लिए चाहे कम कर देता है और वो यकीनन हर बात से खूब वाकफ हैं जैसे सैदिन आबूरा रह रदी अल्लाह नबी अक्रम सल्ला से, से रिवायत कहते हैं कि आपने फरमाया एक शख्स जंगल में खड़ा था यानी कि अल्लाह किसी को रिस्क देना हो तो कैसे दे सकते हैं कभी इंसान इस धोखे में ना रहे कि वो अपने हाथों से कमाता है ये रिस्क उसकी कमाई है उसकी मेहनत की है ठीक है मगर यहाँ पे आप सल फरमाते हैं कि अल्लाह तला रिस्क देखे कैसे देखता देता है एक शख्स जंगल में खड़ा था उसने बादल से आवाज सुनी किसी ने आवाज दी कि फला आदमी के बाग को पानी पिलाओ चुनाचे बादल एक तरफ चला और अपना पानी एक संगला जमीन पर उंडेल दिया अचानक नालियों में से एक नाले ने सारा पानी जमा कर लिया वो आदमी पानी के पीछे चला देखा कि एक शख्स अपने बाग में खड़ा है और अपने बेचने से पानी इधर उधर तकसीम कर रहा है उस आदमी ने कहा अल्लाह के बंदे तुम्हारा नाम क्या है उसने कहा फला वही नाम जो उसने बादल से सुना था फिर उसने दरियाफ किया कि अल्लाह के बंदे तू नाम क्यों पूछता है उसने कहा कि मैंने इस बादल से जिसका ये पानी है आवाज सुनी थी कि फला के बाग को पानी पिला और तेरा नाम लिया बस तू अपने बाग में क्या करता है उस उसने कहा जब तूने मुझे पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूं कि जो कुछ मेरे बाग में पैदा होता है उसका तिहाई हिस्सा सदका कर देता हूँ और एक तिहाई मेरे आयाल खाता है और एक तिहाई इस बाग में लगा देता हूँ सारे बेहतरीन सदकात एक अयाल पर सदका करना और फिर क्या है कुछ माल बाहर सदका कर देना तो इसीलिए अल्लाह से बहान इसी ये भी पता चलता है अल्लाह रिस्क कुशादा करता है जब इंसान माल को दूसरों तक पहुंचाता है माल में दूसरों का हिस्सा भी निकालता है यह दु... दुनिया की जिंदगी एक खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं असल जिंदगी तो आखिरत का घर है काश व लोग ये बात जानते होते

उसके ना शुक्री करें और मजे उड़ाते रहें जल्दी उन्हें उसका अंजाम मालूम हो जाएगा अवलम यरो अन्ना जालना हरमन आमिना वो युतखत्तफन्नास मिन हौलिहिम अफबिल बातिली युमिनूना वो बिनिअमतिल्लाही यकफुरून क्या वो ये नहीं देखते कि हमने हरम को पुरअमन बना दिया है जबकि उनके इर्द गिर्द के लोग उचक लिए जाते हैं या फिर भी ये लोग बातिल को मानते और अल्लाह की नियामतों की नाशुक्री करते हैं और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो खुद झूठ गड़ कर अल्लाह के जिम्मे लगा दे या उसके पास हक आए तो उसे झुटला दे क्या ऐसे काफरों के लिए दोजक का ठिकाना काफी नहीं है

ठीक है और ये देखिए इख्ताम देखें आयत का कि जो भी जाहद जो स्ट्राइफ करेगा जद्दोजहद करेगा फीना फीना हमारे लिए ये क्या है अल्लाह ताला ने और दीन के लिए जद्दोजहद करना अल्लाह ताला ने उस जिहाद को अपने से मंसूब कर दिया और ये ऑनर है मोमिनों के लिए पे जब श्रद्धा आता है तो क्या है डेफिनेट लाम लाम ताकी लाम ताकीद अलबत् ना हम ही दियन हम ही हैं हम उनके लिए सुबुलना हम ही हिदायत करने वाले हैं सुबुलना हमारे रास्तों की हाउ ब्यूटिफुल सुरा और ये आया बहुत ही प्यारी आया व इन मोहसिन और अल्लाह से माता मोहसिन के साथ हैं तो ओवरऑल देखा जाए सूरत अनकबूत का खुलासा क्या है अनकबूत को सुरत फितन भी कहा जाता है इसमें जो है ना जो प्रोसिक्यूशन जो दीन से रोका गया वो बताया गया और जो फितनों के दौर में क्या करना चाहिए जब फितने ज्यादा हो जाए तो कुरान को मजबूती से थामना है और ओवरऑल बल्कि एक चीज मैं पता है गौरव होता है कुरान हम पढ़ते रहते हैं मगर कुरान हम एक स्ट्रेच में पढ़ रहे होते हैं एवरी डे पढ़ रहे होते हैं तो हम आयतों को उस सीक्वेंस को जो है ना इंटरकनेक्ट करने में आसानी होती है और समझ बेहतर हो जाती है तो जब ओवरऑल तो पारा नंबर एक ही मैसेज हमें मिल रहा है कि शिरक ना करो शिरक ये नहीं है कि बुतों के सामने झुकना है अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा जिस किसी के सामने वीक होना जिस किसी को तरजीह देना कोई भी चीज हो बात लोग इतना एक्सरसाइज करते हैं अपना डाइट का ख्याल रखते हैं और अपने जिसम पे इतना जोर इतना जोर बल्कि उनकी रूहानी जहना इबादत बिल्कुल खत्म हो जाए शिरक kind of यानी कि कोई भी ऐसी चीज अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर होना उसके अल्लाह और उसके रसूल के आगे कोई चीज होती है वो शर्क के जुमरे में जाती है तो सूरतबूत में इसको फितनों के दौर में करने का काम किताब को मजबूती से थामना अगर ईमान लाए हैं तो इम्तिहान होगा सही रास्ते की कोशिश अल्लाह ताला उस रास्ते को अपना रास्ता कहते हैं और सबसे बड़ा फितना इंसान के लिए क्या है जो अल्लाह को छोड़कर गैर अल्लाह का सहारा लेता है और फिर आप देखें यहाँ पर गैर अल्लाह का सहारा मकड़ी का घर मकड़ी का जाल यानी कि ऐसे ऐसे घरों का सहारा जो काबिल एतमाद ना हो ठीक है और फिर वो घर जिसमें प्रोटेक्शन ना हो मकड़ी का घर कैसे अल्लाह तला ने को मकड़ी के घर से क्यों तस्बी दी वो घर जो धूप से बचाता है ना बारिश से वो घर अपने मालिक को सहारा ना दे तो वो घर किस काम का और जितने मुतकबरीन है इनका भरोसा माल जायदाद और फिर उनके जॉब्स उनके शोहर और फिर बच्चे और दोस्त अहबाब यानी इंफ्लुएशियल पीपल ये सारा जो है लोग अल्लाह को छोड़कर इन इन चीजों पर भरोसा करते हैं इन चीजों पे भरोसा करना गोया मकड़ी के जाले को जो है ना पकड़ना है और मकड़ी का जाल जितना खूबसूरत और मजबूत धागे से बना होता है और वो लाइट भी होता है इस तरह बातिल जो चीजें होती हैं जो फेक चीजें होती हैं जो चीजें हकीकत में जो है ना पायदार नहीं होती वो बड़ी बड़ी मजबूत नजर आती हैं मगर हकीकत में उनका कोई वजन नहीं होता और फिर मकड़ी देखना हर रोज घर बनाती है बच्चों और उसके खुराक के लिए हर रोज मकड़ी जाना काम करती रहती है हम भी हर रोज अपने घरों की सेटिंग करते रहते हैं मेंटेन करते रहते हैं बड़ा घर हो अभी बाहर वॉक करने का मौका हुआ तो मैं वॉक कर रही तो देख रही थी एक घर मैं देख मैं ना कि ये कितने यानी कि क्या ये लोग इस दुनिया से नहीं जाएंगे एक ड्राइवे में उनके जो जो एक छोटी छोटी जो फाइन जो उनकी बारीकियां हैं जो फाइन फाइन डेकोरेशन हैं वो तक वहां पे किसी की निगाह तक ना जाए तो सेटिंग घरों मेंटेनेंस शान और इज्जत के लिए सारी जहनत जो है लगा देते हैं आकर अगर अगर वो चीजें ना छोड़े तो जबरदस्ती हमें छोड़ना है तो मकड़ी का जाल भी जो है ऐसा ही है कि आप खुद चिपक जाता है छुड़ाना भी चाहे तो बहुत मुश्किल है इसी तरह दुनिया जब चिपकती है तो उसको क्या है हटाना बहुत मुश्किल है और फिर इसी तरह आप देखेंगे कि इब्राहिम सलाम ने अल्लाह को सहारा बनाया तो इसी सूरत में हमने पढ़ा था तो अल्लाह ने गैर मामूली तरीके से आग जो जिसकी खासियत क्या थी जलना है और जलाना है मगर अल्लाह ताला ने उसकी खासियत को तब्दील कर दिया वो जलने वाली चीज को अल्लाह ताला ने ठंडा कर दिया ठीक है और फिर इस सूरत में में दूसरों के साथ भलाई, दुनिया जद्दोजहद, मगर अल्लाह को ना भूलना और फिर अनकबूत के बारे में यह भी आता है कि मकड़ी उसका घर अपने यानी के मेटिंग जिसके साथ वो मेट करती है क्या है जो उसका पार्टनर होता है द मोमेंट प्रेग्नेंट होती है तो वो उसी को मार देती है ठीक है वो घर जिसमें क्या है सरपरस को मार दिया जाता है और फिर बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो माँ को खा जाते हैं मार के बाहर माँ को जो है खा जा तो द रीजन क्या अल्लाह से बहन हाउ ब्यूटिफुल जो है एग्जाम्पल अल्लाह तला ने एक शर्क के लिए खड़ा किया कि मकड़ी का जाल मकड़ी का घर शर्क की मिसाल है बिस्मिल्लाम रहीम सूरतरूम म सूरत है अनकबूत के बाद नाजिल हुई हमारे रास्ते में कोशिश जो करेगा अल्लाह सुबहान उसके रास्ते को हमवार कर देगा और सूरत आप देखें नबूत के पांचवें साल नाजिल हुई जब मुसलमान हफशत हिजरत करके हिजरत करके जा रहे थे और अगेन जो अल्लाह सुबहान को पहचान पहचानता है और जो अल्लाह सुबहान की हिकमतों को जानता है तो हो नहीं सकता कि वो इस किताब से दूर रहें ठीक है अल्लाह सिबाह नियमत वसी कर देते हैं और फिर वही शख्स उन नियामतों से फायदा उठाता है जो एहसान की रविश अख्तियार करता है और इस पर्टिकुलर सूरत में आ, कुछ पेशन गोई है और वो पेशन गोई क्या है कि रोम क्या है बहुत जल्द मगलूब हो जाएंगे रोमी तो ये बेसिकली आ, हुआ ये कि जब लोग जब मक्के में रहते थे ठीक है बैकग्राउंड ये रोम यानी गोली रोम यानी कि रोमी करीब की सरजमीन में मगलूब हो जाएंगे रोम को और इस इस्लामिक हिस्ट्री से क्या ताल्लुक है जब साहबा रदी अल्मन और फिर सारे खुद मक्का जब मक्के में रहते थे तो उस दौरान दो सुपर पावर थी और एक ईरान थी और एक दूसरा जो है ना रोम था तो रोम में सारे क्रिश्चियंस होते थे और ईरान में सारे मजूसी थे और जितने कुरैश जो मुश्किन मक्का थे मुशीन ईरान को सपोर्ट करते थे क्योंकि ये भी मुशरक ये भी शिरक करते थे वो भी शिरक करते थे और जो रोम हालांकि क्रिश्चियन थे ईसाई थे उन्होंने भी ईसा सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया बट मुसलमानों की हमदर्दियां ज्यादा उनकी तरफ होती थी और हर दौर में इनकी जंगें होती थी और कभी ये गालिबाते कभी वो गालिबाते और इसमें क्या हुआ कि मुसलमान भी जो है ना जैसे कि मैच होती है ना जैसे कि उसी तरह वहां भी जो है मुसलमानों की बिटिंग भी होती है इसी तरह आप देखेंगे कि अबू बकरू ने जो है ना शर्त लगाई थी कि देखिए कि अभी थोड़े अरसे में यानी कि तीन से नौ साल अब देखना कि रोम जो है गालिब आ जाएगा ठीक है रोम जब गालिब आएंगे तो आपने कहा कि अगर रोम गालिब आए तो मैं सौ ऊंट की कुर्बानी करूँ अगर ईरान रोम आए तो मुश्किली मक्का जो है अबू बकरत लगाई गई सौ ऊन जो है ना जिबा करेंगे और अगर रोम मगलूब हो गया यानी कि डिफीट हो गया तो क्या है अबू बकर सौ ऊन तो ये शर्तें उनकी आती हाँ है तो यहाँ पे एक पेशन गोई की गई कि, गई कि अगर आज

जमीन में मगलूब हो गए करीब की जमीन क्या है शाम फलस्तीन तुर्की का ये इलाका ठीक है करीब की जमीन में रोम क्या है मगलूब हो गए यानी उनको शिकस्त हो गई अर्दी गलबोन, ताहम वो मगलूब होने के चंद ही साल बाद फिर गालिब आ जाएंगे फी बन बैदो यो महिन उस शिकत से पहले भी अल्ला ही का हुक्म चलता था और बाद में भी उसी का चलेगा और जब रोमिया को फतेह होगी उस दिन मुसलमान खुशियां मनाएंगे तो क्या कहा कि कुछ जनी के सालों में बिदा का मतलब है ना बदत आन बिदा का मतलब है ये तीन से नौ साल ये तीन से नौ साल के दरमियान क्या है रोम फतेह हो जाएंगे और मुसलमान खुशियां मनाएंगे क्यों मुसलमानों की हमदर्दियाँ रोम के साथ कहते हैं वाकई जो है आ, ये आ, ये नौ साल के अंदर अंदर रोम भी फतह हुआ जिस दिन रोम फतह हुआ उस दिन जंग बदर मुसलमानों की थी और मुसलमानों को भी फतह नसीब हुई तो वही सहाबा अल्लाह सहाबारद कह रहे थे हम किस चीज की खुशियां मनाए क्या जेंगे बदर की फतह पर खुशियां मनाए या रोम की फतह पर बिनसर मैशा भी अल्लाह की मदद हासिल होगी अल्लाह जिसे चाहे नुसरत बख्शता है और वो सब पर अख्तर ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह कभी अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता मगर अक्सर लोग ये बात नहीं जानते क्योंकि ये पेशन गोई अल्लाह तला ने मुसलमानों को बता दी थी के क्या है तुम लोग जो इन लोग हालांकि ये जो अबू शर्त लगाई थी ये पता है कि इस्लाम में हराम वैसे शर्त लगाना हराम है इस्लाम में ये हराम होने से पहले यह शर्त लगी थी बाद में उन्होंने इस चीज को जो है ना रिपीट नहीं किया या वो सिर्फ दुनिया की जिंदगी का ज़ाहिर पहलू ही जानते हैं और आखिरत से बिल्कुल गाफिल हैं है अवालम तफक करो और फिर ये जो पेशन गई पीछे जो बताई गई थी कि रोम मगलूब होएंगे और मुसलमान खुशियां मनाएंगे मुसलमानों के लिए खुशखबरियां हैं तो ने मक्का मुसलमानों का मजाक भी उड़ाया करते थे ठीक है इसीलिए पर बताई गई जो मजाक तुम उड़ा रहे हो बहुत जल्द तुम देखोगे कि किस तरह से मुसलमान पाएंगे फतामा बुमा बिलहक क्या उन्होंने कभी अपने आप में गौर फिक्र नहीं किया अल्लाह ने आसमानों और जमीन और उसके दरमियान जो कुछ है उन सब को किसी हकीकत मसलहत और एक मुकर वक्त के लिए पैदा किया है मगर लोगों में से अक्सर अपने परवदिगार की मुलाकात से मुनकर हैं अवलम युफाना आकीबतुल्लजी बिन कबली अक्सरा मूहा

जिस तरह से जमीन में तुम्हें इकतेदार मिला उससे ज्यादा अख्तदार पिछली कौमों को भी मिला उनके पास भी हमारे रसूल वाज लेकर आए थे अल्लाह का उन पर ज़ुल्म करने का इरादा नहीं था बल्कि वो खुद ही अपने आप पर ज़ुल्म कर रहे हैं, आन का जब आया तिल्लाहा फिर जिन लोगों ने बुराइयां की थी उनका अंजाम भी बुरा ही हुआ क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की आयत को झुठलाया और उनका मजाक उड़ाया करते थे अल्लाह अल्ला ही मखलूक इब्तदा करता है फिर वही उसका इरादा करेगा फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे वो यौम योम और जिस दिन क़यामत कायम होगी तो मुजरिम लोग सख्त मायूस हो जाएंगे वलम मिन शुरू क्या नबी शुरे शरीकों में कोई भी उनका सिफारिशी ना खुद भी अपने के हो और जिस दिन क्यामत कायम होगी लोग अलग अलग ग्रोह में बढ़ जाएंगे फमीनातीहोन फी रौदती ये जो लोग ईमान लाए और नेकमल किए वो जन्नत के बागीचों में शादा वरा होंगे वह अमल नजीना कफर यानी कि लोग ग्रोह में कैसे बटेंगे एक जन्नत का ग्रोह एक जहनम का ग्रोह वह अमन नजीना कफर वी आया तीना वो लिखाई का फिलार हो और जिन्होंने कुफर किया और हमारी आयात और आखिरत की मुलाकात को जुटलाया तो ऐसे लोगों को अजाब में रखा जाएगा فسبحان الله حين تمسون وحين تزبهون وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تذهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون اور بسيكلي یہ دو یہ آيات صبح اور شام کے اسکار میں ہوتی ہیں تو تم اللہ کی کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی पहले शाम का जिक्र क्योंकि क्या कहा किया गया ही न तुम सोना व ही न तुझ भी हो शाम इसलिए कि शाम का मंजर ज्यादा खूबसूरत होता है सुबह के मंजर से ठीक है और फिर जब उनकी बकरिया खा पी कर सूरज का गुरूब होता हल्का सा गुरूब होना और सूरज का ढलना और फिर वो बकरियों का रेवड़ जो खा पी के मस्त जब वापस आता है तो वो मंजर ज्यादा बेहतर होता है जब सुबह भूखी बकरियों को लेकर जो है जंगलात की तरफ जना ना चरने के लिए ले जाया करते हैं तो इसीलिए शाम का यानी इवन कुरान में भी आ, दिन का आगाज रात से होता है शाम से शुरू होता है ठीक है इसीलिए पहले शाम का जिक्र और फिर सुबह का जिक्र हुआ आसमान और जमीन में हम उसी को सजावार है नीज पिछले पैर और जोहर के वक्त भी उसकी तस्वीर करो क्या इससे नमाज मुराद है और वही जिंदा को मुर्दा और मुर्दे को जिंदा करता है और जमीन को उसके मुर्दा होने के बाद जिंदा करता है इसी तरह तुम भी मरने के बाद जमीन से निकाले जाओ यानी अल्लाह सुबह ने जिकर को दिन के पूरे हिस्सों में डिवाइड क्यों कर दिया अल्लाह सुबह तला चाहते तो सिर्फ सुबह एक वक्त कोई भी एक वक्त अल्लाह नमाज के लिए मुकर करते या जिक्र कर लिया एंड जैसे कि आप देखें क्रिस्टियन वन जिन ए वीक संडे जाते हैं और यहूद वीक सैटरडे जाते हैं और बाकी के दिन कुछ नहीं इसी तरह मुसलमानों के लिए तल्ला तला ने दिन में पांच बार इबादत को डिवाइड कर दिया इसके पीछे बहुत अगर देखा जाए तो आ, 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 शरीयत जो है ना इंसान की जरूरत और हमत यह है कि इंसान की जरूरियात को सामने रखते हुए अल्लाह ताला ने शरीयत को डिजाइन किया ठीक है इंसान ख्वाहिशात का मजमु है और उसके अंदर मूड्स जज्बात का मजमु और फिर क्या है कि इन जज्बात इन ख्वाहिशात इन मूड्स इन सब को एतदाल में करने के लिए अल्लाह तला ने क्या है नमाजों को बीच में रख दिया क्योंकि मूड स्विंग्स होते हैं जज्बात असर हो जज्बात डिफरेंट होते हैं और फिर क्या है कि फर्ज नमाजें का फर्ज नमाजों का ताल्लुक जिसम और रूह पर है ठीक है तो रूह क्या है कि इवन जो है हार्मोन्स सुबह शाम फ्लक्चुएट होते रहते हैं और फिर ये इबादात उन हार्मोन्स को क्या है बैलेंस करती है और अल्लाह तला तुखरजुन और इसी तरह तुम क्या है क्यामत के दिन उठाए जाओगे वो मिन आयाति अन खल को मिन तुराबा तुम बशरम तन और उसकी निशानियों में से एक ये है कि उसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया फिर अब तुम एक इंसान हो जो हर जगह फैल रहे होना और एक ये है कि उसने तुम्हारी ही जिनसे तुम्हारे लिए बीविया पैदा की ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी गौर फिकर करने वालों के लिए उसमें कई निशानियां हैं तो आप देखें बहुत सी निशानियां वमिन जाए ना वो मिन जो है वो मिन आ जाती है वो मिन आ जाती पीछे अल्लाह से बहुत ने किताब का जिक्र और फिर आगे क्या है आयात यानी कायनात में गौर फिक्र खुद अपनी नफ्सों में अपने जो है जोड़ों में जो है तुम अल्लाह की जात को पा सकते हो किस तरह से अल्लाह तला मोहब्बतें डालता है और किस तरह से अल्लाह तला रहमत का जज्बा एक दूसरे के दरमियान रखता है वमिन आयाती देखिये फिर से बिन आयाती, आयाती ही वमिन आयाती है खल खुद समावाति वर्द वक़्त विलानतीिकालिक आयातमी और एक ये है कि उसने आसमान और जमीन को पैदा किया और तुम्हारी जबाने, जबान क्या है ये भी आयत है और तुम्हारे रंग मुख्तलिफ बना दिए ये भी आयत है यानी कि इंसान के स्किन में कितने शेड्स हैं और ज़बाने कितनी हैं अहले इल्म के लिए उनमें कई निशानियां हैं वम इन आयाति है मना बिल्ल वहारी नीस तुम्हारा रात और दिन को सोना और उसका फजल तलाश करना भी उसकी निशानियों में से है जो लोग गौर से सुनते हैं उनके लिए उसमें भी बहुत सी निशानियां हैं और एक ये कि वो तुम्हे बिजली दिखाता है जिससे तुम डरते भी हो और उम्मीद भी रखते हो और आसमान से पानी बरसता है जिससे जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा कर देता है समझने सोचने वालों के लिए उसमें भी बहुत सी निशानियां हैं मिन बेअमरी मिनल अर्दा तुम तखरुजोन और उसकी निशानियों में से एक ये कि जमीन और आसमान उसी के हुक्म से बिलासतुम कायम है फिर जब वो तुम्हें एक ही दफा जमीन से जमीन में से पुकारेगा तो तुम जमीन से निकल खड़े हो गए वलहू मन फिर समावत आसमान और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है सब के सब उसी के फर्मा बरदार हैं वहूलही वल फिर समावती और वही तो है जो खिलकत की इब्तदा करता है फिर वही उसका इदा करता है और यह दूसरी बार की पैदाइश उस पर ज्यादा आसान है आसमान और जमीन में उसी की उसी की शान बाला तर है और वह सब गालिब और हमत वाला है दरा बिमा मलकत ऐम शुरीमा और जखना कम और तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान करता है जो खुद तुम्ही से ताल्लुक रखती है क्या है वो मिसाल तुम्हारे कुछ गुलाम हो और कुछ हमने तुम्हें मालो दौलत दे रखा है उसमें तुम और गुलाम बराबर के शरीक हो जाए तो क्या तुम ऐसा गवरा कर सकते हो हाउ ब्यूटिफुल मिसाल तुम तो उससे ऐसे ही डरोगे जैसे अपने हमसरों से डरते हो सोचने समझने वालों के लिए अल्लाह तला ऐसे ही अपनी आयात खोल कर बयान करता है अल्लाह तला कायनात में गौर फिकर क्या खूबसूरत अंदाज है अल्लाह किस तरह से लोगों को समझाते हैं कि कायनात में गौर व फिक्र करवा दिया और फिर अल्लाह तला कहते हैं कि ये देखो और बावजूद इसके तुम किसी और को पूछते हो किसी और की बात मानते हो और ये देखो कि एक तुम्हारा नौकर है और तुम है और क्या तुम्हारा माल तुम अपने नौकर को देकर अपने बराबर करना पसंद कर सकोगे जब तुम अपने लिए नौकर को बराबर लाना नहीं चाहते तो अल्लाह के साथ मखलूक को कैसे बराबर लाते हो बले तबाह और ये इसका मेन रीजन क्या है रीजनिंग बता दी गई बल्कि हकीकत यह है कि इन इनिमो ने बगैर अपनी ख्वाहिश की पैरवी कर रखी है ना तो इल्म है और फिर क्या है यह ख्वाहिश लिहाजा जिसे ने गुमराह कर दिया हो उसे कौन राहराज पर ला सकता है और उनका कोई मददगार भी ना होगा वह कलीफा फितरत

और फिर वहां से उठकर कोई इंसान कह दिया कि बताए कि आपको ये करना नमाज आप नहीं पढ़ सकते आप जो है रोजा नहीं रख सकते आपने कहा ठीक है अगर मैं मान लेती हूँ घर वालों की बात वर्ष बिगजिए ना घर वालों की भी तो बात मानना है ना ये भी तो हुक्म है कि अल्लाह तला ने कहा है कि घर वालों का भी ख्याल रखना ये कैसे घर वालों का ख्याल रखना है ये कैसे घर वालों की बात मानना है बगैर इल्म के आप इल्म ही नहीं ले रहे हैं तो आप दूसरों के घर वालों की खिदमत और उनकी जो है खुशी और उनके गुस्से का ख्याल कैसे रख सकेंगे तो यहां पर क्या है एर, या रसूल यक्सु हो हो बी फोकस्ड, एक तरफ हो जाए, कोई मिलावट नहीं दिन में यही फितरत इलाही है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है अल्लाह की इस खिलकत में कोई रद्द नहीं हो सकता यही दुरुस्त दीन है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते यानी बुनियाद क्या होनी चाहिए इस दीन की तोहिद हर काम अल्लाह के खातिर और मरकज मोहब्बत कौन अल्लाह की जात तरफा नहीं असल दीन क्या दीन वाले जो होते हैं वो फिर में गिरफ्तार नहीं होते और शिर क्या है ग्रोह बंदी को जन्म देती है और तोहहीद इतिहाद को जन्म देता है जो कोई जिस लेवल पर जो काम कर रहा है पढ़ रहा है लिख रहा है जहां किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो दिसमिन उसी की तरफ रुजू करते हुए इसी बात पर कायम हो जाओ और उससे डरते रहो और नमाज क़ायम करो और उन मुशरों से ना हो जाओ मिनल नीनाजिन बिमा फरीहून जिन्होंने अपने दीन अलग कर लिया कुल इज दिसूटिफुली अल्लाह के जिन्होंने अपना दीन अलग कर लिया और ग्रोह में बट गए हर ग्रोह के पास जो कुछ है वो उसी में मगन हो गए किसी ने क्या है कि कोई मतजजला का शिकार हो गया कोई खारिजी हो गया कोई सुन्नी हो गया कोई शिया हो गया और फिर वहां से उठकर हम अगर मुसलमान अगर तोहहीद पर भी काम हो रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइडेड हो गए मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा ये ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन इज जस्ट ए प्लेटफॉर्म काम को मुनजम करने के लिए कामों को बेहतर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन इसलिए नहीं बनी है कि आप जो है ना अपने ग्रुप को अलग कर लें आप अपने फिरकों में जो है ना डिवाइड हो जाएं और बाहर से अल्लाह का नाम ले और अंदर से जो है आप बिल्कुल फटे हुए हो नो no, असल चीज क्या है देखिए पीछे तोहहीद के बाद की जहां तोहहीद होगी वहां पर क्या है ये ग्रुप ये डिविजन नहीं बनेंगे वो इजा मास दुरु मुनिबीना सोमा अजाकिन ईजा फरीको जब लोगों को कोई तकलीफ पहुंची पहुंचती है तो उसे अपने परवदिगार की तरफ करके उसे पुकारते हैं फिर जब अल्लाह उन्हें अपनी रहमत का तो लोग अपने ताकि उस नियामत की ना शुक्री करें जो हमने उन्हें दे रखी है अच्छा मजे कर लो जल्दी तुम हकीकत को जान लोगे अमंजल सुल्तानन

और जब उनके अपने करतूतों की वजह से उन्हें कोई तकलीफ पहुंच जाती है तो आस तोड़ बैठते हैं यानी इंसान। अगर मिल जाता है तो आपे से बाहर अगर कुछ छिन जाता है निकल जाता है तो बिल्कुल मायूस है के डिप्रेशन में जो है ना खत्म हो जाए अवलम क्या उन्होंने देखा नहीं कि अल्लाह जिसका चाहे रिस्क ज्यादा करता है और जिसका चाहे कम कर देता है ईमान लाने वालों के लिए इसमें भी निशानियां हैं जिसको ज्यादा है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें जिसको कम है वो सबर से क्या है कुफर से बचें क्योंकि इंसान जब तंगी इंसान को कुफर की तरफ ले जाती है जो सबर करेगा और अल्लाह से मनसूब कर देगा या अल्लाह तला की जो

फ आती जल जब हम अपने रिश्तेदारों को देते हैं हक़ हु उनका हक हाँ, आपके माल में रिश्तेदारों का हक हाँ है फाती यू हैव टू इट्स फर्द ये फर्द है आप नियामतों को शेयर करें कोई भाई या बहन को हेल्प करते हैं तो बार बार कहते रहते हैं ठीक है अगर हस्बैंड को भाई को हेल्प करना है तो बीवी की इजाजत लेना पड़ता है बीवी को हेल्प करना है मुसाफिर को उसका हक दो ये बात उनके लिए बेहतर है जो अल्लाह की रजा चाहते हैं और यही लोग कामयाब होंगे रमजान और फिर क्या है कि जिस सिचुएशन में हम हैं हमारी निगाहें हमारा फोकस सबसे पहले हमारे करीबी रिश्तेदार और फिर जो है जो भी सेकेंड uh, लेवल या थर्ड लेवल पर जो भी है एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हमारा फोकस वो लोग होना चाहिए और उसके बाद माशरे में जो भी मस्किन है मुसाफिर है और जो भी इन नीड है उनकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए यही कामयाबी है असल कामयाबी और यही देखे अल्लाहू न युरीदून वजल्ला अल्लाह की रजा इन्हीं लोगों के कहते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के करीब हो तो आप बंदों के जरिए से आए जो शख्स बंदों के जरिए से आता वो अल्लाह के करीब हो जाता है वो माउती तो मे रिब अलीरबुआ फी अम वाले ना सिफला وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم और जो कुछ तुम बतौर सूद देते हो कि लोगों के अमवाल से तुम्हारा माल बढ़ता रहे। तो ऐसा है की की। माल को घटाती है सूद और जो कुछ तुम अल्लाह की रजा चाहते हुए बतौर जक़ात देते हो तो ऐसे ही लोग अपने माल को दुगना चुगना कर रहे हैं हाउ गिवन अल्लाह हुलजी कलाखाकुम थम्मा रज़खकुम थम्मा यमीतकुम थम्मा युहीकुम हल मिन शरीका इकम याफालु मिन ज़ालिकुम शय सुभानहू व तआला अम्मा युशरिकून अल्लाह वो जात है जिसने तुम्हें पैदा किया रोजी दी फिर तुम्हें मौत देगा फिर तुम्हें जिंदा करेगा क्या तुम्हारे शरीकों में भी कोई ऐसा है जो उनमें से कोई भी काम कर सकता हो वो पाक है और वो जो कुछ वो शरीक ठहराते हैं उससे वो बालातर है

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिए, जरा जमीन में चल फिर कर तो देखो कि जो लोग तुमसे पहले थे उनका अंजाम कैसे हुआ? उनमें अक्सर बस ए नबी सीजो दुरुस्त और मुतवाजन दिन की तरफ मरकूज कीजिए बेश के वो दिन आ जाए जिसके अल्लाह ताला की तरफ से टलने की कोई सूरत ना हो और उस दिन क्या है लोग फट कर अलग अलग हो जाएंगे तो क्या असल करने का काम क्या है कि मजबूती के साथ अल्लाह के दिन को थाम लो वजही कल दीन अल ये दुरुस्त है मन का फरफ आफरु वो मन आमिलि फल यमहद जिसने कुफर किया तो उसका बबाल उसी पर है और जिसने नेक अमल किए तो वो अपनी ही हमवार कर रहे फलामवार ताकि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उन्हें अपनी मेहरबानी से उसका बदला दे और वो यकीनन काफरों को पसंद नहीं करता वो मिन आए आतीसिला वली निशानियों में से एक ये है कि वह हवाओं को खुशखबरी देने वाली बना कर भेजता है और इसलिए तुम्हे अपनी रहमत से लुफ्त तो अंदोज करें नीज इसलिए कि उसके हुक्म से कश्तियां रवा हों और तुम उसका फेल उसका फजल तलाश करो और उसके शुक्र गुजार बनो वल अरसलिका रसूलन और आप से, से बेषतर हमने कई रसूल उनके कौमों की तरफ भेजे जो रोशन दलीलें लेकर उनके पास आए फिर जो लोग मुजरिम थे हमने उनसे इंतकाम ले लिया और मोमिनों की मदद करना हमारा हक है नो डू यू अंडरस्टैंड कि क्या चीज क्या चीज हमें रोकती है वो कौन से खौफ हैं जो हमें अल्लाह के रास्ते में चलने से रोकते हैं ये अल्लाह का वादा है कि ये वो काना हक्कन अलैना ये हम पर लाजिम है फर्ज है हक्कन हमारा हक है कि हम मोमिनों की मदद करके रहेंगे अल्लाहुल्लज़ी युर्सिलुर रियाह फतुसीरा सहाबन

और उसे टुकड़ियां बना देते हैं फिर तो वो देखता है कि बारिश के खतरे उसमें से निकल निकलते आते हैं फिर जब अल्लाह अपने बंदों में से जिन पर चाहे बारिश बरसा देता है तो वो खुश हो जाते हैं इवन बारिश का कंट्रोल खुद अल्लाह ताला के हाथ में है वो इनकानी मिन हालांकि वो इस बारिश के बरसने से पहले मायूस हो चुके थे इला बाद कुल कदीर। अब की इस राममत के नतज पर गौर कीजिए वो कैसे जमीन को मुर्दा होने के बाद जिंदा करता है यकीन वही मुर्दों को जिंदगी बख्शने वाला है और वही हर एक चीज पर कदिर है वाली और अगर हम ऐसी हवा भेज दें जिसके असर से वो अपनी खेती को जर्द पड़ता देखें तो उसके बाद वो कुफर बकने लग जाते हैं सल आप नामो को सुना सकते हैं और ना बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हैं जबकि वो पीट फेर कर भागे जा रहे हैं अंत उसमें और ना आप अंधों को उनकी गुमराही से निकाल कर हिदायत दे सकते हैं आप तो सिर्फ उन्हें सुना सकते हैं जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं और वह सरे तस्लिम कम कर देते हैं अल्लाह वो शैबा युमा अल्लाह वो है जिसने तुम्हें कमजोरी से कमजोरी सी हालत से पैदा किया यानी बच्चा यानी इंसान का एक वाहि जो है बच्चा है जो तमाम मखलूक से दी वीकेस्ट जो है ना मखलूक है इंसान की इंसान का बच्चा और फिर आप देखें कि हालत कमजोर सी हालत से पैदा किया फिर उस कमजोरी के बाद तुम्हें कुत बख्शी यानी जवानी फिर उस कुत के बाद कमजोर और तुम्हें बुढ़ापा दे दिया और जैसे चाहे पैदा करता है और सब कुछ जानने वाला और वो कुदरत वाला है यानी कि एक ही जिंदगी के स्टेज में अल्लाह तला ने <coughs> एक ही जिंदगी में कई स्टेजेस में अल्लाह तला ने उस इंसान की जिंदगी को डिवाइड कर दिया <coughs> और ये स्टेजेस बताते हैं के फना आबाद आबाद फना और में दोबारा जी उठने पर यकीन नहीं है वो योम तको मत युकमुन मा लबिस का और जिस दिन क्यामत का, कायम होगी तो फिर मुजरिम लोग खा खा कर कहेंगे कि हम तो एक घड़ी से ज्यादा नहीं ठहरे थे इसी तरह वो दुनिया में भी गलत अंदाजे लगाया करते थे वकालीनामा वल इन लकदी किताब योमासबाश वाल और जिन्हें इल्म और ईमान दिया गया था वो कहेंगे हम तल्ला के नोशे के मुताबिक रोजे हशर तक पड़े रहे सो यही है हशर का दिन, लेकिन तुम तो उसे हक ना जानते थे फयम बस उस दिन जालिमों की ना तो कोई माजरत फ़ायदा देगी और ना ही उनसे ये मुतालबा किया जाएगा कि वह अपने परवदिगार को राजी करें यानी कि तौबा कर, कर अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते अल्लाह ताला अल्लाह ताला से जो है अल्लाह ताला को राजी नहीं कर सकते और जो भी करना है राजी वो यही जो है ना जगह है इस दुनिया में रहकर अल्लाह सुबह से माजरत भी चाह सकते हैं और अल्लाह को राजी भी कर सकते हैं वाली ना सिफी हाजल इन अंतम इल्ला मुबिल हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर तरह की मिसालें बयान कर दी और अगर आप उनके पास कोई मुजिजा भी ले आए तो काफी लोग तो इसी तरह अल्लाह तला ने इन लोगों के दिलों पर मोहर लगा दिया या रसोल्ला जो हकबात हाँ को तो समझते ही नहीं करने का काम क्या है फसब आपका काम बताना है इन हक लिहाजा आप सबर कीजिए अल्लाह का वादा सच्चा है ऐसा ना हो कि जो लोग यकीन नहीं करते वो आपको हल्का बना दे क्या मतलब यस तक फन्ना का खफी ना कर दे आपको हल्का ना बना दे मीनिंग आप गिव अप ना करें हाउ ब्यूटिफुल मैसेज या रसूल अल्लाह आप पैगाम पहुंचाने में गिव ना करें और अपने मिशन पर डटे रहे जमे रहे और ये थी सूरत 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 का आगाज गलबे से शुरू हुआ और अख्तितम सबर के साथ क्योंकि सबर क्या है कामयाबी चाबी है और अल्लाह के वादे सच्चे मगर क्या है इंतजार जरूरी है ठीक है और सदका माल को बढ़ाने का जरिया है तो बेसिकली क्या है यानी कि गलबे के लिए क्या है सबर, सबर है, है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला हैत यहमत वाली किताब की आयतें हैं उदो वो रहमत मोहसिन और फिर क्या निकोकारों के लिए निकोकारों के लिए हिदायत और रहमत है और वो कौन से हैं निकोकार लोग वो कौन है मोहसिन अल्लाह ताला कहते हैं कि हिदायत और रहमत मोहसिनीन के लिए एहसान करने वालों के लिए और एहसान करने वाले मोहसिनीन वो कैसे होते सलाता जकता यहाँ पर क्या है कि वो लोग जो नमाज कायम करते हैं जक़ात अदा करते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं देखिए जिसको आखिरत पर यकीन होगा वही नमाज पढ़ेगा जिसको आखिरत पर यकीन होगा वही जक़ात देगा अब सवाल पैदा ये होता है कि हर वक्त कुरान में नमाज और जक़ात का जिक्र है जबकि हमें पढ़ाया गया के अरकाना इस्लाम नमाज जक़ात रोजा हज और शहादा रहे तो ला, ला, ला कलमा तो हमने पढ़ लिया और ये पूरा कुरान कलिमे ला, ला पर बेस्ड है ठीक है फ्रीक्वेंटली यानी कि पूरा कुरान टॉक्स अबाउट मुझे अगर किसी ने मुझे पूछा है कि पूरे कुरान का मज़मून क्या है तो मुझे मैं कहूंगी कि मेजोरिटी जो है तौहीद है दैट्स इट तौहीद के अंडर बहुत सी चीजें जो है आ रही हैं एंड नंबर 2 यहां पे नमाज यकीमुन सला नमाज नमाज के साथ बाद रोजा नहीं है याद रखें जो शख्स नमाज पढ़ता है ठीक है मुसलसल उसको रोजा रखने में कोई क्या नहीं रोजा रखने के लिए द्लिमिनरी रिक्वायरमेंट द बेसिक रिक्वायरमेंट इज नमाज इज इट क्लियर रोजे के लिए द बेसिक अगर नमाज फिक्स हो गई तो रोजा रोजा क्या है इंसान और अल्लाह के दरमियान है और नमाज भी अल्लाह और बंदे के दरमियान ज़कात यहाँ पे क्या है कि ये माल में दूसरों का हिस्सा है द सेकेंड पर्सन इज इंक्लूडेड इन ज़कात देता है उसके लिए हज करना आसान है ठीक है हज के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है जकत जकत में क्या है चैरिटी सिस्टर सामिया वो स्लाइड आप डालें जो मैंने आपसे कहा था जस्ट शेयर द स्लाइड जी जी ये देखिए फाइव पिलर्स ये क्योंकि मुझे तहमीना तहमिना का सवाल आया था कि किन फ्रीक्वेंटली कुरान में सिर्फ नमाज और जो है जक़ात की बात होती है ठीक है देखिए नमाज और जक़त देखिए जब सलाह अगर आप कर लेते हैं ठीक है सलाह अगर आप कर लेते हैं आपके लिए फास्टिंग आसान है और फिर ये कब होगा देखिये शहादा के नीचे दो साइड देखे सलाह और जक़त है और हमने हज और फास्टिंग को नीचे कर दिया ठीक है देखिये अगर ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस हो गई ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट अगर ये पूरी हो गई उसके लिए फास्टिंग करना फास्टिंग का कनेक्शन नमाज से है हज का कनेक्शन जक़ात से है इसीलिए आप देखेंगे कि और देखिये वो बिल आखिरती होम यूनो यो इसीलिए इनशाला दौर कुरान के बाद आप कुरान क्लास ज्वाइन करें इसमें आप और ये सिर्फ आपको एक ये ना सरसरी तौर पे बताया जा रहा है मगर इसकी गहराई में उतरेंगे तो आपको और बेहतर चीज समझ आ गई आ जाएगी यु कनून यहाँ पे फेल है ये यु कैनून क्या है बेसिकली फेल है ये ठीक है हाँ शहादा नहीं सलाह को फास्टिंग से कनेक्ट करें समिया सलाह को फास्टिंग से कनेक्ट करे और जकत को हद से कनेक्ट करें देट सेट हाँ या yeah, दैट्स और ये शहादा की ये निकाल दें आप शहादा की लाइन वाली शहादा रिमूव शहादा जकत एंड जैना सलाह आप ये कर दे कनेक्ट कर दे दैट्स इट इधर क्लियर तो ये जो है ये और फिर आप देखिए यू की नून जो बेसिकली यहाँ पे बताया गया ये क्या है के फेल ये फेल है ये फेल में क्या है मुसलसल करने का काम है ठीक है फेल क्या है मसलसल करने का आप करते रहना है अगर ये करते रहेंगे तो आप जो ना थर्ड पिलर को भी पहुंच सकते हैं आप करते रहेंगे तो फिफ्थ पिलर और ये दो अरकान जो सलाह और जक़त है इसको मसलसल करते रहना है इन ऑर्डर टू अचीव फास्टिंग एंड हज और यहाँ कौन है मोहसिन नमाज कायम करते हैं और जक़ात और जो नमाज कर रहा है रोजे का ताल्लुक अल्लाह से होता है जब वह एहसान के दर्जे पे आ ही जाता है तो उसके लिए फास्टिंग और हज आसान है उलाई का अला मेर रबी है ओके और विल मूव ऑन टू नेक्स्ट दिस बनाया उलाई का अला मेर रबी है वो उलाई का हमुल मुफली हो और यही लोग अपने पर्वतिगार की तरफ से सीधी राह पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं

और इसका मजाक उड़ाए ऐसे ही लोगों के लिए रस्वा करने वाला अजाब है यानी जो सीरियस हो जाते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं वो अल्लाह हदीस से पाक हो जाते हैं ठीक है और भी सिस्टर तमिना मुझे आपके दूसरे भी इंशाल्लाह मैं सवाल के जवाब में लिख के रखी हूँ इनशाला बाई एंड ऑफ सेशन वो भी सवाल के जवाब मैं ग्रुप में डिस्कस कर लेती हूँ ताकि सबके लिए भी जो है इस ए, 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 इल्म में जो है ना इजाफा हो जाए तो so, लोगों में कोई ऐसा है जो इसलिए बेहुदा बातें खरीदता है कि बगैर इल्म के अल्लाह के में बहका दें लहुल हदीस बेसिकली लिया गया है कि जो है म्यूजिक बहुत से लोग कहते हैं कि ये म्यूजिक क्या है सैदना अब्दुल्ला बिन और कहते हैं कि म्यूजिक कहाँ हराम लिखा है कुरान पा, में तो सैदना अब्दुल्ला बिन मसूद कसम खाकर कहते हैं कि कुरान में लहु उलहदीस का लफ्ज गाना और मौसीकी के लिए आया है नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि गाना बजाना दिल में यू निफाक पैदा करता है जैसे पानी से घास और सब्ज उगते हैं तो हदीस बेसिकली क्या है ये मौसी आलात का बजाना इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो जिना को रेशम को शराब को और माजिफ यानी आलामदारब और, और गाने बजाने को हलाल कर लेंगे और बेसिकली क्या था कि जब कभी आप अलैहि वसल्लम खड़े होकर लोगों को दीन की तरफ बुलाते तो अबू लहब और नजर बिन हारिस आप वसल्लम के पीछे पहुंच जाते और ये किस्से सुनाना शुरू कर देते फिर लोगों से पूछते कि आखिर किस बिना पर अलैहि वसल्लम का कलाम हमसे बेहतर है अलावा अजी उसने ये, ये जो है ना नजर बिन हारिस और अबू लहब चंद लौंडियां भी खरीद रखी थी जब कोई शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मायल होने लगता तो वो किसी लौंडी को उस पर कोसलत कर देता कि वो लौंडी इसे खिलाए पिलाए और इसकी फिक्र का रुख मोड़ दे इसी सिलसिले में अल्लाह तला ने यह आयत नाजिल की पीछे ईमान वालों का खिताब है कि नमाज और जक़ात कायम करो और मोहसिन और बीच में क्या है कि ये लोगों को हदीस के जरिए लोगों को सीधी राह से हटाते हैं

अलबत् जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए वाले बागात हैं। नियमतों हमेशा रहेंगे ये अल्लाह का सच्चा वादा है और वह हर चीज पर गालिब है और वह हमत वाला है वह بكم बस सफी मिनकुल्ली को बगैर सुतून के पैदा किया जैसा कि तुम उन्हें देखते हो और जमीन में पहाड़ रख दिए ताकि वो तुम्हें लेकर हिचकुले ना खाए और उसमें हर तरह के जानदार फैला दिए नीज हमने आसमान से पानी बरसाया जिससे हमने जमीन में हर किस्म के उमदाज तो अब मुझे दिखलाओ कि अल्लाह के सिवा दूसरे महबूदो ने क्या कुछ पैदा किया है कुछ नहीं बल्कि ये जालिम सर गुमरा में पड़े हैं अब यहाँ से जो है क्योंकि ये सूरतलुखमान है

जो कोई शुक्र अदा करता है वो अपने ही फायदे के लिए करता है और जो ना शुक्री करेगा तो अल्लाह यकीनन उसके शुक्र से बेनियाज है और खुद अपनी जात में महमूद है ये लकमान कौन थे लुकमान हबशा या मिस्र के रहने वाले थे हकीम इन्हें टाइटल मिला इनकी दानाई की वजह से इन्होंने दाऊद का जमाना पाया और फिर शाम में इन्होंने सुकूनत इख्तियार की और लुमान लुकमान हकीम यानी इनकी हिकमत का रास क्या था अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इनको हिकमा अता फरमाई और हिकमत का रास अनिश्कुर लिल्ला ये अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और जिसके अंदर शुक्र गुजारी होती है वो बेसिकी श्रुजारी क्या है नियामतों की बका इफ एन इंटेलिजेंट पर्सन अगर क्या है कि वो चाहता है कि उसके उसके पास ढेर सारी नियामतें हों और उसकी नियामतें हमेशा उसके पास रहें तो उसको चाहिए कि अल्लाह का शुक्र गुजार और शुक्र गुजारी क्या है कि उसी की दी हुई नियामतें उसी के राह में लगाना तो लकमान हकीम का बेटा था और लकमान हकीम ने अल्लाह की उस नियामत का शुक्र कैसे अदा किया और अपने बच्चे की किस तरह से उन्होंने परवरिश की और उसी का जिक्र हमें आगे मिलेगा और एक बाप की बेहतरीन नसीहत अपने बेटे के लिए और इसमें हमारे लिए भी सबक है कि हम अपने बच्चों की तरबियत एज ए पेरेंट हमें अपने बच्चों की तरबियत कैसी करनी है वह इस कलमानी ही वो हुआ बुनैया और याद करो जब जबलमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे कि मेरे प्यारे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना क्योंकि शिरक बहुत बड़ा जुल्म है पहला सबक क्या है शिरक से बरिये जिम्मा होना पहला सबक तोहिद का हम अपने बच्चों को किससे डराते हैं शैतान आ जाएगा फला आ जाएंगे ये हो जाएगा मगर देखे लकमान ने अपने बच्चे को अल्लाह से डराया अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना वो वसिन अभी वाली देिस अनिश्कर अनिश्कुल्ली वली पहला सबक इबादत अल्लाह की होनी चाहिए तुम्हारी इबादतों का मरकज अल्लाह सुबह की जात का सबक और के बाद हु इबाद में अगर तुम्हारे हकदार हैं तो कौन है तुम्हारे वालदे और क्यों तुम्हारे वालदे तुम्हारे नेक सलूक के हकदार हैं वो क्या हुक्म उन्होंने दिया उसकी माँ उसकी माँ ने वाहनन कमजोरी पर कमजोरी सहते हुए अपने पेट में उठाए रखा और दो साल उसकी दूध छुड़ाने में लगे देखे वाहनन एक वाहनन कमजोरी क्या है उसकी प्रेगनेंसी दूसरी वाहनन क्या है उसकी डिलीवरी एंड देन वो फिसाल हो फी, फी आम और जब वो फीड कर रही होती है अपने बच्चों को बच्चे को इसलिए यह हुक्म दिया कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी आखिर मेरे पास ही तुझे लौट कर आना है इसीलिए बेस्ड ऑन दिस जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरी जना खिदमत के हकदार कौन है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ तीन बार क्यों बेस्ड ऑन इसी आया वह अला वह वो फिसाल पहली तुम्हारी माँ दूसरी तुम्हारी माँ और फिर तुम्हारी माँ और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा बाप कहा तो बेसिकली यहाँ पे क्या है माँ बाप के शुक्रगुजार गुजार ये सबक बाप अपने बेटे को सिखा रहा है कि सबसे पहले अगर लोगों लोगों में तुम्हें किसी का एहसान मंद होना है तो अपने माँ बाप का वह इन जाहदा का अला अंतुष्ट का भी माँ सल इल्म बला तो त्या हो माँ वो साहिब हो माँ अनाबा इलाई

फिर तुम्हें मेरे पास ही लौट कर आना है तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो कुछ तुम किया करते थे जैसे असमा असम रजिया अबू बकर की बीवी जो पहली बीवी थी वो क्या थी उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया असमा असम रजियाल्ला फिर भी अपनी माँ के साथ साथन सलूक से पेश आती थी क्योंकि नबी नबीम ने कहा कि माँ यानी कि वो शर्क के लिए जो है ना इजाज शर्क के लिए तुम्हें कहती है तो उन, उनकी बात ना मानना मगर दुनियावी उमूर में उनके साथ हुन सलूक से पेश आना या बुनैया ला। प्यारे बेटे अगर तेरा अमल राई के दाने के बराबर भी हो वो का किसी चट्टान में हो या आसमानों में हो या जमीन में अल्लाह उसे निकाल लाएगा अल्लाह यकीन बारिक बीन और बाबर है असमाल हस्ना अल्लाह सब तुम्हे देख रही है गैब पर ईमान या बन सलाता विल मुनकरी वजबिर इन नजाले का मिनम लो मोर प्यारे बेटे नमाज क़ायम करो और नेकी का हुक्म करो और बुरे काम से मना करो अकेम सलाह नमाज बाजमात अदा करो जब बाजाम अदा करने के लिए मस्जिद जाया करो तो सिर्फ नमाज पढ़कर वापस आया नहीं करो बल्कि लोगों को नेकी का हुक्म दो और बुरे कामों से मना करो अगर तुझे कोई तकलीफ पहुंचे जब आप नेकी की तरफ बुलाते हैं बुराई से रोकते हैं तो लोग क्या है आप पर जरूर बिगड़ेंगे और आपको अजियत पहुंचाएंगे तकलीफ पहुंचाएंगे और ऐसी तकलीफ पहुंचने पर उस पर सब्र करो बिलाशुबा ये सब बातें बड़ी हिम्मत की बात है आज فقور और लोगों से अपने गाल ना फुलना इतराना नहीं ना जमीन में अकड़ कर चलना क्योंकि अल्लाह किसी खुद पसंद और शेखी खोर को पसंद नहीं करते ये दीन के मुनाफी दाई के जो है

नास मैं बिल वाला मुनिया आप बाप की नसीहत बेटे के लिए आप देखें तोहैद का सिर्फ एक लाइन थी तो सबक आपने दिया आई वॉन्ट एवरी वन टू बी फोकस्ड देखे तोहहीद की जब बात आई तो एक ही आयत एक ही सेंटेंस में तोहैद खत्म हो गई इन नशर का लजुलज जब और जब हुआ और अखलाकियात है तो देखे पूरी आयत पूरा रुको अखलाकियात पे चला गया तो इससे क्या पता चलता है ईमान आपके अखलाक को रिप्रजेंट करता है और आज जिस चीज की कमी है हमारी हम में और हमारी जनरेशन में अखलाक कुरान पढ़ लेते हैं मगर ना तो हमारे अंदर सीरियसनेस आती है और ना, ना हमारा बिहेवियर सही होता है सो देखे के अखिला की अल्लाह ततनी आयतें रख दी ठीक है नमाज के साथ वाला तमशी फिल अर्दी मराहा और वाला सऊदी का यानी कि ये सारी आयतें अखलाक से रिलेटेड हैं। फिर अल्लाह ये बात कहने के बाद तुम देखते नहीं कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ने तुम्हारे लिए काम पर लगा दिया और उसने अपनी तमाम ज़ाहरी व बातनी नियामतें तुम पर पूरी कर दी इसके बावजूद लोगों में कोई ऐसा है जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करता है जबकि उसके पास ना इल्म है ना हिदायत और ना कोई रोशनी दिखाने वाली किताब है क्या है तुम अल्लाह के लिए हो जाओ अल्लाह तुम्हारे लिए जो है सारी मखलूक को दाबे कर देगा मगर जिनके अंदर अकल नहीं है वो खाम इन गलत कामों में झगड़ते हैं और अपने वक्त को जया करते हैं आज भी उस झगड़े को खत्म कर दो और इस किताब को मजबूती से थाम लो वह तबी शैतान से और जब उन्हें कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उसकी पैरवी करो तो कहते हैं नहीं बल्कि हम तो उसी चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया क्या ये उन्हीं की पैरवी करेंगे खान शैतान उन्हें दोजख के अजाब की तरफ बुलाता रहे यानी आबाजा दोजख की तरफ जाए क्या उन्हीं की पैरवी करेंगे ये वो मई उसम व जहाँ वो हुआ मोहसिन बस्का वाला आक़ल और जो शख्स अपना चेहरा अल्लाह के आगे झुका दे और वो निकोकार हो तो उसने यकीन एक मजबूत हल्के को थाम लिया और वो मजबूत हल्का क्या है शरीय का हल्का आप सब कामों का अंजाम तो ही की तरफ है। कफरा और जिसने कुफर किया तो उसका कुफर आपको गमज़दा ना करें जो कुफर किया उसने क्या किया मकड़ी के जाल को चिपक लिया मकड़ी के जाल को पकड़ लिया उन्हें हमारी तरफ ही आना है और फिर हम उन्हें बता देंगे कि जो कुछ वो करते रहे अल्लाह से बहन बताला तो यकीनन दिलों के रास तक जानता है नुमती अहम कलीला तुम न तो रूहम इला बिन गलीस या रसूल अल्लाह हम उन्हें थोड़ी मुद्दत मजे कर लेने का मौका दे रहे हैं फिर उन्हें बेबस करके सख्त अजाब की तरफ खींच लाएंगे वाला इंसाल तुम मन खलक समावाती वर्दा बल अगर आप सल आसमान और सब तारीफ अल्लाह के लिए है लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं आसमान और जमीन की खल खत की तो पहचान है मगर किसके सामने झुकना उसकी पहचान नहीं मगर अक्सर लोग ला यामोन जमीन में जितने दरख्त है जो कुछ आसमान और जमीन में है वो अल्ला ही का है बिलाशुबा अल्ला बेनियाज और लाख हमदना है वलो इन शजरत ही नफीदत अजीज जमीन में जितने दरख्त हैं अगर वो सब कलमे बन जाए और समंदर रोशनई बन जाए फिर उसके बाद सात मजीद समंदर भी समी यानी इंक मुहैया करें तो भी अल्लाह की बातें खत्म ना होगी यानी सारे जंगलात के जाना जंगलात के दरख्तों को काट कर कलम बना लें और फिर और समंदर और सांस समंदर सियाई बना दें और अल्लाह की बातें लिखते चले जाएं वो कभी ख़त्म नहीं होगी बिला अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है माँ का बसी तुम सबको पैदा करना और दोबारा जिंदा करके उठा देना अल्लाह तला के लिए ऐसा ही है जैसे सिर्फ एक नफ्स का पैदा करना और अल्लाह बिलाशुबा सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है फी नहार फी इला अजल क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है और सूरज और चांद को काम पर लगा दिया है हर एक मुखर्र वक्त तक चलता रहेगा और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है

समंदर में कश्ती चलाता है ताकि तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाए उसमें हर साबिर व शाकिर के लिए बहुत सी हैं और जब उन पर साहिबानों जैसी कोई मौत छा जाती है तो अल्लाह की मुकम्मल हाकिमियत को तस्लीम करते हुए खारिशन उसे पुकारते हैं हमने पीछे भी पढ़ा था ना इकराम अबू चहल रदील जब तूफान में फंस गए तो लोग क्या है उस समंदर में अल्लाह को पुकारने लगे फिर जब वो उन्हें बचा कर खुशकी तक ले आता है तो फिर कुछ ही लोग हद अतदाल पर रहते हैं और हमारी निशानियों का इनकार सिर्फ वही करते हैं जो गद्दार और नाशुक्रे हैं يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ऐ लोगों अपने परवदिगार से डरते रहो और उस दिन से डरो जब ना तो कोई बाप अपने बेटे के कुछ काम आएगा और ना बेटा बाप के अल्लाह का वादा यकीन सच्चा है लिहाजा ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे और ना कोई धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में डाल दें

क़यामत का इल्म के पास है वही नजर और वही बारिश बरसाता है वो मा फिल वही जानता है कि माओ के बतों में क्या कुछ है वो मा तदरी नफसम माजा तक ना ही कोई ये जानता है कि कल क्या काम करेगा और ना ही ये जानता है आ, किस सरजमीन में जो है बेदिन तमोत और नहीं ना ही ये जानता है कि किस सरजमीन में वो मरेगा कबीर बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बड़ा है। और बड़ा है एसान की बताई गई इस सूरत में। इस सूरत खुलासा लहूल से परहेज किया गया लाहूलहदीस यानी के गाना बजाना उसका आपोजिट क्या है के इल्म और फिर नफ्स की पैरवी करने वाले पैर आयात असर नहीं करते और फिर यह पर्टिकुलर सूरत अपने बच्चों के साथ शेयर करें और फिर बताएं कि अल्लाह अल्लाह का एहसान अल्लाह का हक और बंदों का हक क्या होता है और इल्म हिकमत का निछोड़ है इल्म लें आप लोग इल्म हिकमत का निछोड़ और अखलाक इंसान की चाल ढाल और गुफ्तु का अंदाज है अखलाक इंसान की चाल ढाल उसका अप्रोच उसके मामल क्या है उसका अखलाफ दिखाते हैं और इल्म क्या है हिस्मत का निचोड़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत, वस्चड़ा। सूरत वस्चड़ा मकी सूरत है सूरत जुमा की पहली रकत में आप सजदा की तिलावत करते और दूसरी रकत में सूरत दहर फजर और फिर आप देखें ओवरऑल अगर देखा जाए तो सूरत अल्लाह के सामने खुशी और खुदू के साथ झुकना मक्की दरमियानी दौर में यह सूरत नाजिल हुई और देखा जाए तो जुम्मे का दिन एक एजुकेशनल डे होता है एक एजुकेशनल दिन जो है ना जिससे क्या है कि दर्स व तदरीस का दिन होता है और तालीम का आगाज फजर की नमाज से शुरू हो जाता है तो आप देखें कि फजर की नमाज में सूरत सजदा और दहर और बेसिकली ये दोनों सूरतें आखिरत की याद दिलाती हैं और सच्चा इल्म क्या है इंसान जो है ना अपनी आखिरत को याद रखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तअत तंजीलुल किताब ला रैब फीह मिन रब्बिल आलमीन इस बात में कोई शक नहीं कि ये किताब कुरान परवरदिगार आलम की तरफ से नाजिल शुदा है अम यकूलून अफ्तरा क्या वो ये कहते हैं कि उस नबी ने इस कुरान को खुद ही घड़ लिया है

पैदा किया फिर अर्श पर कायम हुआ और उसके सिवा तुम्हारा ना कोई सरपरस्त है और ना सिफारिश ही क्या तुम कोई सबक हासिल नहीं करते अफला तजक करोन क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते आसमान से जमीन तक के इंतजाम की तदबीर करता है सिर्फ क्या है कि इंतजाम की तदबीर सिर्फ क्या है कि काय में जो है सिर्फ कायन की चीजों को बनाना ही नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज भी करता है और तुम्हारे हिसाब से एक हजार साल और फिर एक एक रोज जिसकी मददार तुम्हारे हिसाब से एक हजार साल वही इंतजाम उसकी तरफ उठ जाएगा व शहादत रही है यानी कि ये है अल्लाह जो हर और जाहिर बात को जानने वाला है और सब पर गालिब और रहम करने वाला है यानी कि तुम्हारे हिसाब से एक यानी कि जो चीजें नीचे से ऊपर चलती हैं ठीक है अल्लाह के यहाँ क्या है एक रोज जिसकी मकदार तुम्हारे हिसाब से एक हजार साल मगर वो कैसे होगा कैसे वो निजाम चलाते हैं? अल्लाह बेहतर जानते हैं ये दिस इज मुत हाथ अल्लाह خلق الانسان من विस जिसने जो कुछ भी बनाई खूब बनाई

तुम कम ही शुक्र अदा करते हो كافرون ये लोग कहते हैं कि जब हम मट्टी में मिल जाएंगे तो क्या असरे पैदा किए जाएंगे हकीकत ये है कि ये लोग अपने परवदिगार की मुलाकात ही के मुनकर हैं कुल या तो मलकुल मोतिल आप सल्लल्लाहु अलैहि उनसे कह दीजिए कि मौत का फरिश्ता जब तुम पर मुकर है तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लेगा फिर तुम अपने परवदिगार की तरफ लौटाए जाओगे बलो तरा मुजरिम काश आप देखें जब मुजरिम अपने परवदिगार के हजूर सर झुकाए खड़े होंगे और कहेंगे ए हमारे रब हमने सब कुछ देख लिया और सुन लिया लिहाजा हमें वापस भेज दे कि हम अच्छे अमल करें अब हमें यकीन आ गया है ला वलौ लाआतना कुल्ला कौल मिन्नी ला वोश ना लतना कुल्ला नफिन हुदा वला किन हक अल कौल मिन्नी

जब तुमने उस दिन की मुलाकात को भुला दिया था अब हमने भी तुम्हें भुला दिया है और जो कुछ तुम करते रहे उसके पादाश में अब दायमी अजाब का मजा चको इन नमा इकिर बिहादर हो बेहमदीम वो हम ला तक और हमारी आयात पर तो वही रोगी मान लाते हैं इन नमायु मिनो भी आया ईमान हमारी आयत पर वही लोग लाते हैं जब क्या है कि आयत के त... से नसीहत की जाती है वो क्या करते हैं धड़ाम से गिर पड़ते हैं सजदे में और वो हैं वो सब बहु बेहमद रबी ला लास्तक और वो अपने परव की तारीफ के साथ तस्बी करते हैं और वो तकबर नहीं करते चले सजदा कर लें سجد وجهي للذي خلقه وشق سماه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين سجدها

और खौफ के साथ पुकारते हैं वो मोमिन कैसे होते हैं कि वो धराम से गिरते हैं जब आयतें उनके सामने सुनाई जाती है और उम्मीद से और जो रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं दिन में क्या है कि अल्लाह के कामों में अपने आप को सफ करते हैं और रात अल्लाह की याद में जो है तड़पते रहते हैं لهم من جزاء بما كانوا يعملون जो वो किया करते थे जैसे आप सलम ने फरमाया कि तबारक वाले फरमाते हैं कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो नियामतें तैयार कर रखी हैं जिन्हें ना कभी किसी आंख ने देखा ना किसी कान ने सुना हो और ना ही किसी के दिल में उसका ख्याल तक आया हो अबू कहा, अगर तुम चाहो तो दलील के तौर पर इसायत पढ़ लो मोमिन ऐसे ही होता है जैसे फासिक ये दोनों बराबर नहीं हो सकते और मोमिन क्या ये ये दोनों एक जैसे हो सकते हैं नहीं बिल्कुल नहीं अब अगर देखा जाए जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनकी क्याम का बागत होंगी और वो उनके अमाल के सिले में उनकी मेहमानी होगी वह अम लजीना फसा वाह मन्ना كلما يخرج فيها. وقيل لهم النار الذي كنتم به تكذبون. और जो नाफरमान है उनका ठिकाना दोजक होगा जब भी वो उनसे निकलना चाहेंगे उसी में लौटा दिए जाएंगे और उन्हें कहा जाएगा कि आप इस आग के अजाब का मजा चको जिसे तुम झुटलाया करते थे वलनबर हम उन्हें क्या के बड़े अजाब से पहले हल्के अजाब का मजाबी जरूर चकायेंगे रबी से बाये यानी दुनिया में छोटे छोटे जो मुश्किलें और जो आजमाइशों में डालकर अल्लाह तला बंदों को अपने अपने तरफ लाना चाहते हैं मगर लोग अगर मानकर नहीं देते तो उन्हें खबर के अजाब से दो चार अदना अजाब أن دنتك دون أذاب الأكبر قيامة كأذاب ومن أظلم ومن من ذكر بآيات ربي ثم عارض عنها إن من المجرمين منتقمون أر وشخص بذكر كون ظالم هو جيسيهوسكى بارديكارى آيات سنسيركى جاي فيروسيه مولن هم يقينا اس المجرم سينتقام لكر رهيني ولا قدراتينا موسى الكتاب فلا تقوم في ميرية من لقائه वजअलना हुदालि बनी इसराइल और हमने मूसा को किताब दी थी लिहाजा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इस किताब के मिलने में शक ना रहना चाहिए ये किताब बनी इसराइल के लिए हिदायत थी वजअलना मिनहुम अइम्मते यहदून बिअमरिना लम्मा सबरु वकैनू बिआयाatina यूकीनून जब उन्होंने मसाएब पर सब्र किया तो हमने उनमें से कई ऐसे पेशवा बना दिए जो हमारे हुक्म से उनकी रहनुमाई करते थे और ये लोग हमारी आयात पर यकीन रखते थे एक लीडर की क्वालिटीज यहाँ पे बताई गई लीडर अल्लाह की तरफ बुलाने वाला सबल करने वाला और अल्लाह के वादों पर यकीन रखने वाला यादना भीम्मा कौन है लीडर्स की जमा लीडर की जमा इमाम की जमा आइम्मा है लीडर्स

पर आज ये लोग चल फिर रहे हैं इन इसमें भी बहुत सी निशानियां हैं क्या ये सुनते नहीं यानी जिन घर जिन जो है जिन घरों में हम बैठे हैं जिस सरजमीन पर हम घर बनाकर बैठे हैं कि क्या पता है कि जो है ना वो किसी की खबर हो क्या पता है कि किसी की खबरों के ऊपर घर बनाकर बैठे हो तुम उन्हीं खबरों पर चल रहे हो और उनके साथ क्या हो रहा है खबरों में क्या तुम सुन सकते हो यानी कि अल्लाह सुबह झिझोड़ रहे हैं कि जो लोगों ने जिन लोगों ने सरकशी की जिन लोगों ने जुल्म किया अपनी जानों पर अल्लाह को छोड़कर कर शिरक में मुबतला हुए और आज वो उन जमीनों में दफन है आज उनके साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता तुम सुन नहीं सकते बल्कि तुम उन्हीं की खबरों पर आबाद हो अम अफला क्या उन्होंने देखा नहीं कि हम पानी को बंजर जमीन की तरफ बहा लाते हैं जिससे हम खेती पैदा करते हैं तो उससे उनके चौपाए भी खाते हैं और वो खुद भी खाते हैं फिर क्या ये गौर नहीं करते वो ना मता हाज़ल फतह इन कुंतम सादिकिन नीज़ ये कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये फैसला कब होगा कुल याम अल फतह ला ينفو للذین कफरू ईमानहुम वलाहुम यंजरून या रसूल उनसे कह दीजिए कि जब फैसले का दिन होगा तो जिन लोगों ने कुफ्र किया है उन्हें फैसले के दिन ईमान लाना कुछ फायदा ना देगा और ना ही उन्हें कुछ मोहलत दी जाएगी या रसूल आप इनसे और हम भी यकीनन इंतजार कर रहे हैं तो ये था सूरत आजिजी और फिर क्या अल्लाह के यहाँ आगे झुकना और कम्प्लीटली आप देखें आखरत का अजाब और फिर क्या है कि आखरत में किस तरह से एक ग्रोह जो, भी आया भी हाँ धड़ाम से गिर पड़ते हैं। ऑन जो लोग हैं वो क्या है? के बहस मुबाजों में शिरक में मुबला है तो इन दोनों जब इन दोनों के अमाल एक जैसे नहीं है तो अंजाम भी एक जैसे नहीं हो सकते ठीक है यहाँ तक खत्म وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان الله وبحمده عدد قلقه ورد نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا ازاب النار اللهم اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني واذا اردت فتنه في قوم فتوفني غير مفتون واسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم والقصبة والغفلة والأيلة والزلة والمسكنة وأعوذ بك من الفخر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من السمم والبكم والجنون والجزام والبرس سيء الأسقام اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن لزيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي هجة يا رب العالمين اللهم رب السماوات السبع ورب العرش لزيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن لزيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يغذي عنا الدين وأغننا من الفقر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كان فيه يختلفون اللهم اهدني لما فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين आज जिमे का दिन है जिमे के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें जो है दुआ की कबूलियत की घड़ी है रोज़ों के साथ है रमजान का महीना है मुकदस महीना तो इन अभी असर से लेकर मग़रीब तक अपने आप को जो है इबादत में असकार में जो है इंगेज करें और जैसे हुक्म भी है कि जब नमाज से फारिग हो जाओ तो जमीन में मुंतशर हो जाओ और अल्लाह का जिक्र कसरत से इस सरजमीन पर बुलंद करो तो अस्तकफिरल्ला की कसरत से जो है आपको तस्वीर करनी है और फिर सुभान वो भी हम दिया। आज हमने पढ़ा था सुबह अल्लाह अल्लाह अकबर अल्हमद अकबर तो आज इस आयत पर हमें अमल करना है इस आयत पे हमें फोकस करना है दूसरी बात ये है कि सदका कैरा इट्स टू इम्पोर्टेंट आज अल्लाह ताला ने क्योंकि कुरान पाक का अब उर्ज है बिल्कुल अब हम पीक पर हैं अब सिर्फ आपको करने के काम बी फोकस के वो कौन कौन से काम करने के हैं जिससे जो है मुझे जो इस रमजान ने मुझे करना है मेक मेक लिस्ट लिस्ट अब देखें सबके खैरात में और आगे पीछे देखें खाना खिलाने पर बहुत उभारा जाएगा कि मिस्किनों को और यतीमों को जो है खाना खिलाना है तो इन चीजों पे हमें फोकस करना है तो इनशाला आज के कुछ क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चंस थे आ, तो अगर आप लोग रह सकते हैं तो आप रहे और जिसको जाना है वो जा सकते हैं आ, पहला सवाल आपका था कि नमाज में अल्लाह बाई व बैना खताया या हम दुआ पढ़ते हैं क्या हम उसके बदले ताज की जो दुआ हमने पढ़ाया अल्लाहुम्मा फातिर समावाती वलर आयिमलबी बशहद हमने जो पढ़ा है अल्लाह मरबा जबरमी कल अभी जो हम याद कर रहे थे तो क्या हम ये दुआ पढ़ सकते हैं यस uh, yes, वो जो ये जो दुआ मैंने uh, याद करवाई आपको अल्लाबा जबरमिकाइल इसराफी फातिरस समावती वलर ये दुआ बेसिकली ये तहजद की दुआ है नॉट दिस वन अल्लाह रब अल्लाह रबा जबरी फातिल समावती वल वो तहजद की दुआ है ठीक है उसको आप तहजद में पढ़ें जैसे दुआए इस्तफा अलहमा बाइद बनी हम हर नमाजें पढ़ते हैं आ, पांच नमाजों में और आप नवाफिल में भी पढ़ते हैं सुन्नतों में भी पढ़ते हैं और तहजद में अल्ला बाईद अगर पढ़ भी लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं क्योंकि नबी साम की सुन्नत थी तो आप उसके बदले ये दुआ पढ़ लें ठीक है अच्छा वितर की दुआ दुवा, कुनूत के बाद जितनी दुआएं आपने याद की हैं ठीक है थीके? जितनी दुआएं आप लोगों ने याद की हैं वो दुआ कुनूत पढ़ने के बाद लेट लेट इट इट बी आ, सिस्टर समिया क्योंकि ये लोगों के अम्म इलम में इजाफे का जरिया है ये बहुत से लोगों आ, का भी जो है ये क्वेश्चन है तो रहने देर अकॉर्डिंग तो दुआए खनूत के साथ आप जो भी दुआएं हैं पढ़ सकते जितनी हैं, हैं, हैं जितनी दुआएं आपने कुरानी दुआएं मसनू दुआएं जितनी दुआएं आपने याद की हैं उसको है जैसे कि सिस्टर तहमीना ने कहा था कि वाल वह इन तुबिनिफुल आया ब्यूटिफुल ये पता है ये ये आयात है ये कुरानिक दुआ है ये ठीक है तो इस दुआ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतहियात और फिर सूरह फात जैसे ना कि रब जलनी मुकीम सलाती रबना जलम ना अनफसना ये जो दुआएं हम पढ़ते हैं अतहियात में आपने इस दुआ को शामिल की सच एन इम्पोर्टेंट सच ये दुआ और है भी बहुत ब्यूटीफुल दुआ तो आप दुआ कुनूद में भी ऐड कर सकते हैं एवरी फर्ज नमाज के बाद अत्यायात के बाद आखिरी में भी इस दुआ को आप इंक्लूड कर सकते हैं पढ़ सकते हैं और फिर आपका सवाल ये था कि अल्लाह तला ने नमाज और जक़त का बहुत ज्यादा जो है जिक्र किया है रोज़ा और हज का जैसे मैंने आपको अः सूरतमान की कॉन्टेक्ट से मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जो है ना अल्लाह तला ने नमाज और रोजों पर क्योंकि नमाज और जक़ात ये हर वक्त करने का काम है अगर कोई शख्स इन दो चीजों का पाबंद हो जाता है तो रोजों का और हज का पाबंद ऑटोमेटिकली हो जाएगा दूसरी बात रोजों का ताल्लुक साल में एक बार होता है ठीक है और ये साल में एक बार वो शख्स रोजों पर जो है फोकस कर सकता है जिसकी नमाजें सही हो जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाए वो अल्लाह के लिए हर चीज देने के लिए तैयार हो जाए तो पहले नमाज की प्रैक्टिस दिलवाई गई और फिर उसके बाद रोजे पे उभारा गया और फिर रोजा जो है ना नमाज से भी एक अगला दर्जा जिसमें क्या है कि नफ्स का बहना बहुत बड़ा जिहाद है और इंसान जब नमाज पढ़ते पढ़ते नफ्स को कंट्रोल कर लेता है तो रोजे उसके लिए मुश्किल नहीं है और हज का ताल्लुक भी क्योंकि वो जिंदगी में एक बार है ठीक है अगर जक़ात पर अगर आप फिक्स हो गए तो हज पर इस्तकामत या हज करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं दूसरा सवाल यह था कि सलाम का असा और सलमान की अंगूठी लेकर दाबत अर्द आएगा तो अब वो कहाँ है क्योंकि ये मुतशाबी हाथ है हमें इसके बारे में नहीं पता कि वो कहा जब आएगा वो लेकर आएगा कहाँ से लेकर आएगा कैसे लेकर आएगा हमें नहीं पता क्योंकि ये ईमान लाना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर गायब पर बिन देखे हमें जो है इन चीजों को मानना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं बताया तो हमें भी नहीं पता है कि असा और का असा और सलमान की अंगूठी कहाँ है ठीक है ठीक है तो अच्छा दूसरा सवाल क्या है आई अ क्वेश्चन नंबर

ठीक है नमाज आपको यानी पांच नमाजों यानी कि नमाज कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है एक्शन आपको वेरी यूनिक एंड वेरी न्यू एक्शन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया नहीं नमाज इवन देखिये मेराज से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो रकत नमाज पढ़ा करते थे और दो रकत क्या है कि आप यहूद को देख कर पढ़ा करते थे क्योंकि यहूद की शरीयत में भी नमाज फर्ज थी आदमी सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत तक फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम स्टैंडर्ड थे नमाज ये अलग बात है कि हमें जो है ना नमाज पांच वक्त की नमाज दी गई और पांच वक्त की नमाज का अजर पचास नमाजों के बराबर है अला गिवन टू दमत मुस्लिम बट मूसा की शरीय में भी नमाज थी आदम नूसम इब्राहिम यूसुफ इन सब की जो ताला अल्लाह क्या कहा इब्राहिम को के उस घर की जो है ना वो ताहिरा बे, बेतिया वर सुजूद और नमाज का हिस्सा है इब्राहिम से कहा गया कि उस घर को पाक साफ करो रुकू करने वालों के लिए और सुजूद करने वालों के लिए एंड इवन मरियम से कहा गया या मरियमती मरियम क्या रुको करो रुको करने वालों के साथ इसका मतलब उनकी शरीयत में नमाज थी हमारी शरीयत में भी नमाज है बट पांच नमाजों का अजर हमें पचास नमाजों के बराबर होगा ठीक है सिस्टर तो आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन ठीक है जरूर आप कर लेंगे ठीक है किसी का कोई सवाल है? नमाज दुआ, दुआ भी करते हैं अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं नहीं तो हम मीटिंग एंड करते हैं सिस्टर समीर uh, मेरा सवाल है प्लीज जी जी, जी आ, 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 प्लीज आ, आ, बस मुझे ये पता करना है की हम जब रोजे में क्या ब्रश पेस्ट कर सकते हैं या कर नहीं सकते, कर सकते कर सकते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा सा आप क्योंकि देखे ना जब आप रोजे में एक होता है आप जॉब कर रहे होते हैं नॉन मुस्लिम से मीट कर रहे होते हैं उन्हें नहीं पता कि आप रोजे से हैं तो नहीं हल्का नहीं। सा आप थोड़ा अगर मेक श्योर sure करें कि वो हलक तक ना हलक तक अगर ना, ना करें, करें तो बहुत अच्छा है आप फॉर द रीजन अगर कर ले तो रोजा मकरू नहीं होता और ये के, मतलब आ, हम एक दफा या जी हाँ क्या बोले जाके जी आवाज मुझे आपकी आवाज वो ब्रेक हो गई थी प्लीज आप मुझे फिर से रिपीट करें सवाल सिजदा तलावत के बारे में एक ये पूछ रही थी जी। कि सिजदा तलावत के बाद हम जिस सिजदे में गए हमने दुआ पढ़ी या सिजदा किया उसके बाद हम सलाम फेरेंगे या वैसे ही खड़े नहीं 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 कोई सलाम नहीं है नहीं सलाम सलाम नहीं है जब कभी सजदे तलावत की बात आती है आप थोड़ा सा गौर करें पता है वहां पे धड़ाम से गिरते हैं सजदे में आ, जी धड़ाम से आ, तो धड़ाम में जो है कि वो एक बे यानी कि अल्लाह की उस मोहब्बत वो उस अल्लाह की वो उस कशिश से जब अंदा गिरता है तो उसमें सलाम नहीं है अच्छा सलाम नमाज का हिस्सा है और ये जो हम सदकात देते हैं या देने होते हैं तो ये हर एक को दिए जा सकते हैं सदकात अपने घर हाँ। में किसी को या किसी अपने किसी हाँ को भी दे ईद के दिन तोहफे भी देना भी ए, इवन बच्चों को जो तोहफे देते हैं इवन अपने जो है ना अगर माँ बच्चों को जो तोहफा देती हैं बच्चे माँ बाप को जो तोहफा देते हैं रिश्तेदारों के जो है ना दिज आर ऑल कमंडर सदा सदका का मतलब है अल्लाह की मोहब्बत में माल को खड़ियालना मैं तेरी मोहब्बत में सच्ची हूँ सदका मीन्स अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत में सच्ची हूँ तेरी मोहब्बत की सच्चाई का प्रूफ दे रही हूँ माल इंसान को अल्लाह तला ने बेताशा मोहब्बत माल की मोहब्बत इंसान के दिल में डाल दी ये मोहब्बत अच्छा, जिसकी आ, मेरे हम देख सकते हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल देख अच्छा देख सकते तो और और, ये भी एक सदका होता सद् वेरी गुड आपने बहुत अच्छा किया मुझे ये बात आपने याद दिलाई हाँ मैं आप सबको ये बताती चलू कि फितरा जो है ये बेसिकली रमजान की जो इबादत है हमारी हम रख रहे हैं जो नमाज जितनी जो भी इबादत है उन का कफारा है कफारा क्या है कि अगर कोई हमसे जो है कोई लफजिशें हो गई या कोई कोताहियाँ हो गई इस इबादत में क्योंकि रमजान की इबादत इज फर्जी इबादत या किसी भी वजह से हमने कहीं पे कुछ गलती कर दिया जान कर अनजाने में उन तमाम लफजिशों का उन तमाम जो है गुनाहों का कफारा होता है फितरा और फितरा जो है हम जना एडवांस में भेज देते हैं रमजान के शुरू में दे देते हैं फितरा ईद के सिर्फ क्या है कि एक दो दिन पहले देना है क्योंकि आप पूरे रोजे रखेंगे एंड ऑफ रमदान आप फितरा देंगे और फितरा उन लोगों को देंगे जो बहुत ही डिजर्विंग नीडी जो मिस्किन और जो है ना बहुत गरीब लोग हैं जिनके घर में खाने को खाना नहीं है नहीं जल सकता आगस... यहाँ तो हम लोग मस्जिद में दे देते हैं क्या करें हाँ, फिर मस्जिद वाले सही जगह पहुँचा देते हैं देनो okay. दे दे आप मस्जिद वालों को और बता दे मस्जिद वालों को कि आप जो है ना एंड ऑफ अच्छा। रमदान भेजें क्योंकि आपके पूरे रोजे कंप्लीट हो जाए उन सारे गुनाहों का कफारा होता है 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 आपको पता है, कितना जाना है, पता है? पता कितना जाना नहीं अभी मुझे स्टैंडर्ड का मैं ऐसे ही दे देती हूँ मैं अपनी तरफ अच्छा। से निकाल दिया okay. मैं चाहती हूँ की ज्यादा चला जाए कम ना हो ज़... अच्छा सही सही, सही। जी चले इनशा ऑफलाइन होती हूँ मेरा जी हेलो जी, जी जी मैं ये कह रही थी जैसे जो ईशा की नमाज होती है ना तो जब हम जमात में पढ़ाते हैं हस्बैंड मेरे तो जब दो रकत में तो वो ज्यादा तिलावत करते हैं लेकिन जब तीसरी रक़त होती है उसमें तो खुद से खाली पूरा फातियाँ पढ़नी होती है तो समाइम वो जल्दी सजदे में चले जा रहे होते हैं और मैं स्टिल जो है ना वो पढ़ रही होती हूँ तो क्या मुझे उनको ही फॉलो करना होगा या हाँ नहीं आप उन्ही को फॉलो करना होगा उनसे कह दें कि आप जरा थोड़ा जो है ना क्योंकि ईशा की नमाज है घर में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आप स्लो डाउन हो जाए ठीक है तो आप हाँ मगर आपको फॉलो उन्हीं को करना है अच्छा फॉलो उन्हीं को करना है है आपको क्योंकि अच्छा, सिखाया जाता है ना कि लीडर को फॉलो करें ठीक 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 अच्छा दूसरे ये कि जैसे कभी कभार शहरी में थोड़ी सी देर रहती एकदम अजान हो जाती है तो बिल्कुल रुक जाना चाहिए नहीं खाना चाहिए नो, कुछ नो, कुछ नहीं 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 आप कंप्लीट करें अजान पूरी होने तक भी खा सकते हैं ठीक है आप अपना रोज़ खत्म नहीं करें आराम से तो सब बच्चे चिल्ला रहे थे नहीं मम्मी आप अपना रोजा खराब करिए आप अजान हो गई है आप बिल्कुल छोड़ दें मैं सबको दे रही हूँ बिल्कुल कोशिश करें कि हम जरा जो है खत्म करें बट अजान हो भी जाती है तो आप अपना खाना कंप्लीट कर लें जी नसरीन एक सवाल ये मैं जरा एक्सप्लेन करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो फजर की अजान का वक्त है नमाज का सेहरी का टाइम पहले खत्म हो जाता है लोग ये कहते थे कि पहले कर रहे हैं आप 5 10 मिनट पहले खत्म 5 10 मिनट पहले, मिन पहले करें क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी है ना कि सेहरी खाने में जो है आ, ये लेट लेट आप सेहरी खत्म करें दस्तियार में जल्दी करें अगर आप इतना देखिए ना आखिर आप खाते ही रहेंगे तो आपको ब्रश भी करना होता है आपको एक टेन फिफ्टीन मिनट पहले आप रोक दें तो ज्यादा बेहतर है फॉर एनी रीजन जैसे दूसरी सिस्टर ने कहा कि सबको देना होता है देते देते टाइम हो जाता है वो भी एक इबादत है वो अगर एक आद ये नहीं कि रूटीन ना बना ले एक, एक आध ऐसा हो जाता है तो दैट्स फाइन ओके अजान हो भी जाती है तो आप अपना खाना खत्म कर ले جزاك الله وإياكم الله وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سستر کے دعاء دعا کر دوان هو سبحان الله وبحمده عدد قلقه ورد نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار اللهم اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا قيرا من دارها وأهلا قيرا من أهلها وزوجا قيرا من زوجها وأدقلها جنة وأدقلها جنة وأدقلها جنة وعيذ من أذاب القبر ومن أذاب النار وعيذ من أذاب القبر ومن عذاب النار وعيذ من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبرحمتك يا رحم الراحمين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته